अच्छा थ्योरिटिकल चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जीरो भी होती है और वन भी होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आएगा। अच्छा प्लीज देखो एक बार आपस में आते बंद कर दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सुन लो। क्वेश्चन अगर आया तो इट विल ओनली बी इन योर मेन सिलेबस, नॉट इन योर एडवांस, ठीक है। बोर्ड के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट। अगर अभी तुम्हें इसके फंडेमेंटल्स में आ गए, तुमने थ्योरी अच्छे से लिख ली, तो तुम्हें कोई इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पूरी थ्योरी के साथ मैं तुम्हें इस वाले चैप्टर को करा दूंगा, अपने प्लीज फंडे इसमें क्लियर रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, महा आसान चैप्टर है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, नए नए कंसेप्ट सीखेंगे, और मैं आपको रियलिटी बता दूं, यही वो चैप्टर है जो आपको इंजीनियरिंग में काम आएगा। आपने जितनी फिजिक्स पढ़ी है उन सबके अंदर एक ही चैप्टर फिजिक्स का जो काम आता है वो ये है, आगे कॉलेज में जाकर। बाकी थर्मोडायनामिक्स काम आती है हल्की फुल्की, पर मेन तो यही है, इसी पर सारी दुनिया बेस है आगे की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, असली में क्या बोलते हैं इसको, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये वही ब्रांच है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बोलते हैं, इट इज दैट ब्रांच। उस पार्ट, उसी ब्रांच का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें ट्वेल्थ के अंदर पढ़ना है, क्लियर है। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी थी, उसमें तुमने शायद लेवल्स पढ़े होंगे, याद है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पढ़े थे। वो किसके लिए डिफाइंड था, एक एटम के लिए। अच्छा एक एटम की बात की थी, किसकी बात की थी, एक एटम, है ना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की आप लोगों ने बात की थी, और मार्किंग की थी कि ऐसे ऐसे एनर्जी होती है, ऐसे बनाया था 1s, मतलब 1s क्या, ऐसे बोल लो इसको, क्या बोल दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट, फिर ग्राउंड स्टेट के बाद तुम लोग ऊपर उठ के गए थे, तो इसको क्या बोला था तुमने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कुछ याद आ रहा है। बेसिकली अगर इसको अपन लोग जैसे मान ले, फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम ले लूं, क्या ले लूं, सोडियम, तो सोडियम से तुम्हें वो लिखना आता है क्या, क्वांटम स्टेट्स लिखनी आती है, शेल से जो लिखते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं उसको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये लिखना आता है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर मैं देखूं तो एस क्या कंप्लीटली फिल्ड है, एस क्या कंप्लीटली फिल्ड है, पी क्या कंप्लीटली फिल्ड है, एस कैसा है, हाफ फिल्ड, कैसा फिल्ड है। तो जब मैं अकेले एक सोडियम एटम की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अकेले सोडियम एटम की बात करता हूं, इन दैट केस मैं इस तरह से उसका एनर्जी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, चौथा इस तरह से, पांचवा और छठा। तो अगर इसको इसके हिसाब से मार्क किया जाए तो ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ क्या, दिस इज 1s, दिस इज 2p, इसके ऊपर क्या था बेटा, 3s, फिर वो और आगे चलता रहेगा, चलेगा कि नहीं। ये किसके लिए बनाया है, एक एटम, ध्यान रखें किसके लिए, एक एटम। तो हम बोलते हैं कि जब भी एक एटम की बात होगी तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा, याद करो मॉडर्न में यही पढ़ा था, यहां एनर्जी क्या थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आ रहा है, फिर क्या थी, माइनस, सबको याद है, इसके बाद क्या आया था, -1, फिर क्या आया था, 0.54, और क्या, हम ऐसे बढ़ते गए थे उसमें। भाई बोर का कहना यही तो था जब उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एंड दे रोटेट अबाउट इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, यही तो बोला था, है ना, वो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स ही तो अपन लोग बनाते हैं उसके अंदर। तुम्हें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, कुछ याद है। अब क्या हुआ, एटम लिया तो ये कहानी, मॉडर्न में तुमने पढ़ा एटम, अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल पढ़ते हैं। तो ये जो एनर्जी के लिए हम लोग पतले पतले शेल बनाते थे ना, ये चेंज हो गए, ये चेंज होके बन गए बैंड। क्या बन गए बेटा, बैंड बन गए। बैंड का मतलब अब एनर्जी जो है ना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थोड़े से एरिया में। अभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये लाइन है और इसकी एनर्जी है -13.6। अब मैं बोलूंगा ये एरिया है पूरा यहां से यहां तक, इसमें एनर्जी क्या है, 13.6। तो माइनस माइनस छोड़ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं बस। तो अब मैं पूरा एक बैंड डिस्क्राइब करूंगा, पहले क्या डिस्क्राइब की थी, एक लाइन। ये रियलिटी में जो तुम सीधी लाइन बना रहे हो, ये असली में तो ये है, जानते हो कि नहीं, रियलिटी तो ये है ना, इसकी पक्का है ना। यहां पर कौन है, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है,
ये क्या है 1s 2s 2p 3s। अपन ये सीधी बना देते हैं, होता तो ऐसा है, अबे ये मॉडर्न में पढ़ा था तुमने, है ना। तो ये जो रियलिटी है, इस रियलिटी से हटके अब यहां पर जो क्रिस्टल आ गया, क्या चीज आ गई, क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को अब डिफाइन करना है। क्रिस्टल में एक एटम नहीं होता, पहली बात। क्रिस्टल हैज मैनी एटम्स, और मैनी एटम्स का मतलब क्या, मैनी न्यूक्लियस। इस क्लास में क्या नींद आने लगती है, आज कुछ खास बात है नहीं, है ना। तो प्लीज जागने का एहसास कराते रहे, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक एटम था तो ये कहानी थी, जब क्रिस्टल आया तो क्या बैंड में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एनर्जी गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बैंड्स। वो जो बैंड्स थे, अब बैंड के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है। एक क्रिस्टल में एक न्यूक्लियस या कई न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस, यानी देयर आर मैनी एटम्स इन द क्रिस्टल। तो इसलिए जब मैं क्रिस्टल बनाने निकलूंगा तो क्रिस्टल के लिए जो हम लोग ये वाले एनर्जी स्टेट्स बनाएंगे, अब ये एनर्जी लेवल ना रह के ये क्या बन जाएंगी, एनर्जी बैंड्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, एनर्जी बैंड। और जब ये बैंड बनी तो ये बैंड कैसी बनी, देखो ये तो वही था तुम्हारा 1s, ये पूरा का पूरा हो गया 2s। बेसिकली ये पोर्शन क्या कहलाया आपका, एनर्जी बैंड। क्या कहलाया बेटा, एनर्जी बैंड। ये पूरा 2s है, ठीक है। इसके ऊपर गए तो कौन मिलेगा बोल, 2p। अरे ये लिखना आता है ना, तो इसके ऊपर कौन मिला अपने को, 2p मिला। तो 2p इसके ऊपर ऐसे मौजूद था, ये पूरा क्या हो गया बेटा, 2p। क्या ये भी फुली फिल्ड था, फुली फिल्ड। और इसके ऊपर कौन मिला अपने को, 3s। तो वापस 3s का भी पूरा ऐसा बैंड था, 3s का भी क्या था बेटा, पूरा ऐसा बैंड मौजूद था, पूरा का पूरा बड़ा। और ये जो चौड़ाई आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखें, इसकी चौड़ाई कम है, फिर क्या बढ़ गई है, ऊपर जाएंगे और बढ़ती जाती है, ठीक है। बैंड्स की जो एनर्जी का जो बैंड है, मतलब जो आप देख रहे हैं, दिस एनर्जी बैंड की चौड़ाई, इट इंक्रीजेस एज वी मूव अप। इधर क्या होता था याद कर, क्या ये डिस्टेंस कम होती जाती थी, यहां बैंड की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। बैंड का जो आपको, मतलब बैंड की मोटाई ऐसा बोल लो कि बैंड की जो विड्थ है, विड्थ इंक्रीज होती रहती, समझ गए। ये वाला गैप तो हमेशा क्या होगा, कम, पर बैंड की चौड़ाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऊपर जाते रहते, समझ रहे हैं। ऊपर वाला छोटा बन गया है पर तुम्हें पता है कि वो बड़ा है, समझ गए ना। ये छोटा इसलिए बन गया क्योंकि बोर्ड खत्म हो गया, तो वो बड़ा है असली में। अरे क्लियर है सबको। अब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, ना कि लाइन के अंदर। अच्छा सर, 1s के अंदर आपने बैंड क्यों नहीं बनाया, 1s में बैंड क्यों नहीं बनाया मैंने, 1s तो सीधी लाइन खींच दी ना, बैंड क्यों नहीं बनाया। ये न्यूक्लियस के पास होता है, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या होता है, बहुत पास, भाई 1s सबसे पास वाला ही है। 1s में बैंड इसीलिए नहीं बनता क्योंकि इट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो इस पे क्या, बाहर के जो न्यूक्लियस मौजूद हैं, जो दूसरे जो न्यूक्लियस हैं क्रिस्टल में, उनका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1s को सीधा सीधा बना देता है, बाकी को फैला देता है। कुछ समझ भी आ रहा है, 100%। तो हमें अब बैंड थ्योरी पे ही पूरी कहानियां पढ़नी है, ठीक है। जो भी कहानी चलेगी वो अब कौन सी थ्योरी पे चलेगी, बैंड थ्योरी, इसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। और इसी बैंड थ्योरी पे फिर हम लोगों ने डिफाइन किया कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है। तुमने इलेक्ट्रो में भी डिफाइन किया था, जब इलेक्ट्रो 1 और 2 पढ़े थे तब भी तुमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन किए थे। पर अब हम लोग जो डिफाइन करेंगे, दे विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड्स। किसके बेसिस पे होगा, एनर्जी बैंड्स। अभी मैं सब लिखवा दूंगा, अभी चिंता मत करो, सारी चीजें आ जाएंगी, एक एक करके लिखवाऊंगा मैं ये सारी चीज, डोंट वरी। तो एनर्जी बैंड के अंदर अब देख, अलग अलग तरह से इसके हम लोगों ने मोटिवेशन लिया, इधर से थोड़ा सा, उधर से थोड़ा सा, इधर से, और कुछ कुछ डेफिनेशन बना दी। तुमने सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में सुना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही यहां पर होता है वैलेंस बैंड। यहां क्या होता है, अब सोचो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते थे, जो लास्ट शेल में एग्जिस्ट करते थे, तो वैलेंस बैंड कौन सा होता होगा, जो लास्ट, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता होगा। बता सोडियम में कौन सा है, क्या 3s इज द वैलेंस बैंड, वेरी गुड। एक और नाम नया आया,
वो नाम था कंडक्शन बैंड. कौन सा नाम था? अब सोच, कंडक्शन बैंड का मतलब क्या हुआ कि मैं अब कुछ ना कुछ कंडक्ट करने वाला हूं. मैं अगर कुछ कंडक्ट करूंगा, कंडक्ट इन द सेंस कि या तो आई विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या फिर आई विल कंडक्ट हीट और समथिंग एल्स. तो मैंने अगर मान लो ये सेमीकंडक्टर था मेरे पास में या कुछ भी एक मेटल था, उस मेटल को नीचे से हीट करना चालू किया. हीट किया तो एक्साइटेशन होगा. एक्साइट होता है बेटा, एक्साइट होता है हीट करने पे, है ना. हीट किया, एक्साइटेशन हुआ. एक्साइटेशन हुआ तो वाइब्रेशन तेज हुआ या धीरे? तेज. वो जो वाइब्रेशन तेज हुआ उसके कारण क्या एनर्जी आई. बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, हीट करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रहा हूं, वो जो अब मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, उसी एनर्जी की अब बात करेंगे कि वो एनर्जी लेके सबसे पहले कौन भागेगा, अंदर वाला या बाहर वाला? कौन भागना चाहेगा, 3s वाला या 2p वाला? 3s वाला जिस शेल में भागेगा वो शेल कौन सा होगा? 3p. 3p विल बी द कंडक्शन बैंड. 3p विल बी द, इसकी छोटी सी डेफिनेशन या फर्जी डेफिनेशन ये होती है कि जो वैलेंस बैंड के बाद जो बैंड एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाता है, खत्म. मान ले इस पे 3s में लास्ट इलेक्ट्रॉन था, अगला जो होगा वो क्या होगा, 3p. तो 3p विल बी द कंडक्शन बैंड. मान ले किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में होता तो इसके लिए कंडक्शन बैंड क्या होता, 3s. समझ गया मेरी बात. एक्साइटेशन के बाद हमारा इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में जाएगा दैट विल बी द कंडक्शन बैंड. क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड. क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? 100%. अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मतलब वो जिस बैंड में मौजूद है, क्या उसमें उसकी कुछ एनर्जी रही होगी? अब एनर्जी बैंड में है या फिक्स्ड है? बैंड में. एनर्जी किसमें है? बैंड में. यानी ऐसा नहीं कि अब मैंने फिक्स कर दी -13.6 -3.4 -1.51. अब इट इज अ बैंड, यानी वो रेंज है. क्या चीज है ये? मैंने मान लो बोल दिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी थी -1.50, तो उस एनर्जी लेवल को नाम दिया गया फर्मी एनर्जी लेवल. क्या नाम दिया गया? फर्मी एनर्जी लेवल. ये सब मैं लिखवा दूंगा एक बार, सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हें सारी टर्म्स जो है वो सुनाई दे जाए एक बार, ठीक है. जैसे मान लिया 3s था, मैं 3s यहां बना रहा हूं इसका, है ना. ये क्या है बच्चों, इसका 3s. 3s आधा भरा हुआ है कि पूरा? आधा. आधा भरा है तो हमने ऐसे बनाया इसको, ठीक है. जब मैंने इसको ऐसे बनाया तो मैंने साथ में क्या बोला, 3s इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड. या तो हाफ फिल्ड बोल देते हैं या कुछ लोग पार्शियली फिल्ड बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? पार्शियली फिल्ड. हाफ अपन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 3s में दो ही आ सकते हैं. 3s में कितने आ सकते हैं? डेढ़ और पौने दो और आधा और पौना तो नहीं आ सकता ना, ये तो पता है ना तुम्हें, एक पूरा ही जाएगा. तो आधा भरा था तो इसलिए इसको हाफ फिल्ड बोल दिया. पर जो जनरल टर्म है वो क्या है? पार्शियली फिल्ड. जनरल टर्म क्या है? तो ये पार्शियली फिल्ड भी बोला. और इसे हाफ फिल्ड क्यों बोला? क्योंकि 3s 2 था, एक था, इसलिए क्या बोल दिया? हाफ फिल्ड. इसको मैंने इस तरह से बनाया तो इसमें फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा, ये होगा या ये होगा? ये होगा फर्मी एनर्जी लेवल, या ये वाला होगा जहां तक मेरा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर पा रहा है, जहां तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर पा रहा है. सो दिस एनर्जी लेवल इज दी फर्मी एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं जा रहा, आधा भरा हुआ है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे नहीं गया, वो यहीं रहा. तो जो उस इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी की स्टेट थी उसको क्या नाम दे दिया गया? फर्मी एनर्जी लेवल. और इसके ऊपर कौन था बेटा? 3s के ऊपर 3p था क्या? तो ये जो 3p था, इस 3p का क्या नाम था? कंडक्शन बैंड. इसको लोग शॉर्ट में है ना सीबी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? सीबी. अच्छा, ये बैंड कौन सा था? वैलेंस बैंड. वेरी गुड. ये आपका कौन सा बैंड है? पूरा का पूरा वैलेंस बैंड. ऐसा नहीं कि आधा पोर्शन ही वैलेंस बैंड है, ऐसा मत सोच लेना, पूरा वैलेंस बैंड है. उस पूरे वैलेंस बैंड में द इलेक्ट्रॉन इज ऑक्यूपाइंग हाफ द एनर्जी लेवल, नॉट फुल एनर्जी लेवल. समझ पा रहे हैं? तुम्हें कुछ आ रहा है पक्का? थोड़ा सा देख, थ्योरेटिकल चैप्टर है, फिर बोल रहा हूं, फंडे क्लियर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके इसमें दिक्कत आती है. मैं इसलिए बोल ज्यादा रहा हूं, अभी लिखवा नहीं रहा. चल रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है. तो ये वैलेंस बैंड आ गया, ये क्या आ गया?
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ये पूरा है या आधा है ऊपर ऊपर का? पूरा वैलेंस बैंड है। इस वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। कंडक्शन बैंड में? जीरो। अगर एक्साइट करूंगा तो सबसे पहले कहां भागेगा? इसीलिए उसका नाम कंडक्शन बैंड था। इसीलिए उसका नाम क्या था? कंडक्शन बैंड। अच्छा, एक्साइट करते हैं तो वैलेंस वाले भागते हैं या 2s वाले भागते हैं? हमेशा क्या लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ये हमने केमिस्ट्री में सीखा हुआ है कि नहीं? मॉडर्न में भी तुमने शायद ये सब चीजें सीखी होंगी। तुमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी थी? न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर इक्वेशन लिख रहे होंगे ना? वो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है? दोनों में फर्क पता लग गया? केमिकल रिएक्शन में क्या हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और न्यूक्लियर में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वहां इलेक्ट्रॉन की बात की है क्या? नहीं की ना। तो दोनों इक्वेशंस को कभी भी कंबाइन मत कर देना। रेडियो एक्टिविटी के फंडे यहां पर मत लगा देना, क्योंकि वो साथ साथ पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे ये फंडा यहां अप्लाई कर दो। प्लीज डोंट अप्लाई दोस फंडास, ठीक है? पता लगा कोई बोले सर सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी क्यों नहीं होती, तो वो कभी मिलेगी भी नहीं, ध्यान रखें। अरे क्लियर है? कुछ आ भी रहा है? चलो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स आपने हेडिंग तो डाल ही ली होगी, उसमें सबसे पहले लिखें एनर्जी बैंड। बता रहा हूं सब आएगा। सबसे पहले लिख लें बेटा एनर्जी बैंड, और एनर्जी बैंड में लिखें, अभी डायग्राम वगैरह कोई ना बनाए बिल्कुल भी, एक एक करके सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं बता रहा हूं ये चीजें अगर तुम बोर्ड में एज इट इज लिख के आ गए, बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है फिक्स है, हाउ डू वी क्लासीफाई कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम। समझ गए? ये बैंड डायग्राम ही है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, एज इट इज बना के आ जाओगे चार नंबर पक्के। क्लियर है? तो लिखें सबसे पहले एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, और लिखो इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इन अ सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स, देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स फुल स्टॉप। बट इन अ क्रिस्टल, बट इन अ क्रिस्टल देयर आर मैनी एटम्स, बट इन अ क्रिस्टल देयर आर मैनी एटम्स एंड ईच एटम इन द क्रिस्टल एंड ईच एटम इन द क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स, इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स, इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस द एनर्जी बैंड्स, ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड। यार मुझे को गर्मी लग रही है या हो रही है? क्या हमें कुछ पंखा वंखा चला लेना चाहिए? ऐसा लगता है क्या किसी को? नहीं लगता? चलो फिर रहने दो, गर्मी तो सहन की जा सकती है। हैं? चला लो। नहीं यार ये मना कर रहे हैं लोग, पीछे का चला के मुझे क्या होगा? वहां से हवा मारोगे तुम फू फू, है ना? हाँ फू फू। चलो रहने दो, नहीं रहने दो, रहने दो है ना। ड्यू टू दिस द एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड फुल स्टॉप, ठीक है? एंड कन्वर्ट इन टू, फुल स्टॉप ना लगाएं, एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी बैंड्स, एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी बैंड्स, ठीक है? ये लिखने के बाद में ये समझ तो आ गया जो मैंने बताया, क्योंकि ये पहले मैं समझा चुका तुम्हें, है ना? प्योर हिंदी में भी समझाया था। इसके बाद में पहले ये वाला एक तरफ ये वाला डायग्राम बना ले, ये वाला 1s 2s 2p 3s वाला, ये मत बनाना, ये तो ऐसे ही बना दिया था मैंने समझाने को। कॉपी के एक साइड ये वाला डायग्राम, दूसरी साइड वो वाला। इस डायग्राम को ऐसे बनाना, देख लो ये यहां पर ऐसे है, ये वैलेंस बैंड 3s था ना, इसके नीचे ये वाले आएंगे। ये कितना है यहां पे? 2p के नीचे ये क्या है आपका? 2s, और 2s के नीचे ये रहा 1s,
1s 2s 2p, ठीक है। कर रहा है ना मैटर, क्यों नहीं कर रहा? ये तो करेगा ही बेटा, मैटर क्यों नहीं करेगा? ये तो उसी तरह से मैटर कर रहा है, नहीं बराबर नहीं होता भाई। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप तो डिक्रीज होता जाएगा, जैसे अपन वहां बनाते हैं ऐसे ही। इसमें डिक्रीजिंग बनाते हैं कि इंक्रीजिंग बनाते हैं? डिक्रीजिंग, एनर्जी गैप कम होता जाता है ना यहां पे, तो ये गैप तो हमेशा क्या होगा, घटेगा, पर इन वाले बैंड्स की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप उसी हिसाब से बनाएं थोड़ा सा एडजस्ट करके। जैसे इसमें बहुत ज्यादा गैप आ गया तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये पोर्शन ना बनाए, ये वाला बनाए, एक तरफ ये, एक तरफ ये। बहुत ढीला काम करते हो। कौन तरफ बना लिया? अच्छा ये बनाया ना अपन ने सिंगल एटम के लिए, तो सिंगल एटम वाले पे नीचे लिख लो। अब एक एक तरफ बनाया ना, तो सिंगल एटम की तरफ लिख लो, नीचे लिखो हियर हियर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन, हियर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन लेवल्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, हियर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन लेवल ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एज टोल्ड बाय बोर, एज टोल्ड बाय बोर, अरे नील्स बोहर, बोहर लिख लो, बोहर BOHR, एज टोल्ड बाय नील्स बोहर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अपने इसकी तरफ आ जाओ, बैंड थ्योरी की तरफ। यहां लिख लो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एनर्जी defined in a band exists in exists in bands of exists in bands of fixed energy levels exists in bands of fixed energy levels bracket में लिख देना range of energy। क्या हो गया विभव, कोई खास बेत नहीं ना? हाँ, इस बार किसमें एग्जिस्टेंस मिलेगा अपने को? बैंड्स के अंदर कुछ भी एनर्जी उसकी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम का क्या फंड है कि जैसे अगर 2s की इधर देख लो एक बार, 2s की बात करूं तो 2s की हाईएस्ट एनर्जी क्या है? ये, अरे है कि नहीं, ये 2s की हाईएस्ट एनर्जी है और ये क्या है 2s की लोएस्ट एनर्जी। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट और इसको क्या बोल देते हैं हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। किसके लिए डिफाइंड है ये? 2s। ऐसे ही क्या 2p की अलग होगी? ऑब्वियसली 2s से तो ज्यादा होगी, सोच में क्या पड़ गए? अभी 2s से ज्यादा नहीं होगी क्या? इसकी जो लोएस्ट है क्या वो इसकी हाईएस्ट से हमेशा ज्यादा होगी? पक्का 100%। अब इसी वाले बेसिस पे क्या हुआ, इनमें कई बार ओवरलैपिंग भी देखी गई। क्या देखी गई? ओवरलैपिंग मतलब मान ले ये 2s था और इसमें ये 2p घुस गया, मतलब दिस इज योर व्हाट 2s और ये क्या है अपना 2p। ध्यान से देखो ये पोर्शन ओवरलैप्ड है, नजर आया किसी को? ये ओवरलैपिंग ही अब हमें बताएगी कि कहां हो रही है कहां नहीं हो रही, जिससे हमें अब सारी चीजों को डिफाइन करना है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है। थोड़ी सी फील लेके सोच एक बात,
किसी मटेरियल में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए, क्या कर जाए आपस में, वो क्या होगा? खत्म, फील आ रही है मतलब? किसी मटेरियल का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए मतलब क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन के लिए, यार वैलेंस बैंड ही तो कंडक्ट करते हैं, तो वैलेंस बैंड अगर कंडक्शन बैंड में घुस गए बिना एक्साइटेशन के तो वो क्या हो गया? बात खत्म। अब सोच, बहुत सारा गैप है इनके बीच में, ऐसे ये तो अपना मान ले सीबी था और ये अपना क्या था, वीबी था। अब बता क्या ये? बात खत्म। कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं ना, है ना। अब इसका गैप मान ले कम कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, वीबी, तो क्या बन गया? यही होती है बैंड थ्योरी। ये डायग्राम बना के आ जाते हैं ना अगर, तो नंबर कहीं नहीं कटते। और ये कंफर्म सवाल पूछता है, ये और सुन लो, बोर्ड में हर दूसरे साल आ ही जाता है, एवरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी मैं पूरा का पूरा लिखवा दूंगा, इसलिए डरना मत, ठीक। चलो इसके बाद में ये सब लिख लिया जो अभी लिखवा रहा था, इसके बाद में लिख लो वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। हैंग डाल लो छोटी सी, वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी की स्पेलिंग तो पता है ना, एफ ई आर एम आई। वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल जल्दी से लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल या इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल या शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आर कॉल्ड है बेटा, नहीं इलेक्ट्रॉन्स हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं, रिपीट करना है, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द शेल कंटेनिंग देम, एंड द शेल कंटेनिंग देम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। वन मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड, ठीक है, वन मार्क क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। एंड द शेल कंटेनिंग देम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। नेक्स्ट लाइन, इन अ सॉलिड लैटिस, इन अ सॉलिड लैटिस द टॉप मोस्ट लेवल या टॉप मोस्ट बैंड बोलो इस पर, द टॉप मोस्ट बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड बोलो वैलेंस बैंड, इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। पहले अपन ने एक एटम के लिए शेल डिफाइन किया है ना, अब अपन क्या डिफाइन कर रहे हैं, बैंड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी एक सॉलिड लैटिस या एक क्रिस्टल की बात की जाएगी, लैटिस का मतलब तो समझ लो, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में, तो लैटिस इज अगेन व्हाट, एक क्रिस्टल है ना। तो क्रिस्टल की जब भी बात करेंगे तो बैंड की बात करेंगे, और एटम की बात करेंगे तो लेवल या शेल की बात करेंगे, क्लियर है ना बात। तो इस बार तुम्हें एटम के लिए बता दिया, अब जल्दी से एक काम कर, यही वाला डायग्राम दोबारा, ये वाला डायग्राम बना ले दोबारा, या उसी में मार्क करवा दूं ऐसा, या तुमने कर लिया है मार्क, कर लिया तो ठीक है, एक काम कर सिर्फ वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बना ले, ये वाले चाहे मत बना, और इसमें ये वाली मार्किंग दोबारा से कर ले इसके नीचे, वीबीसीबी बना दे और मार्किंग कर ले कि इसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वो सब चीजें लिख ले। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, हाफ फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड, यही थे अपने इलेक्ट्रॉन्स। चलो डायग्राम बना लिया है, इसमें अब ऐसे लिखें, द टॉप मोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड, द टॉप मोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड विच इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, विच इज फिल्ड विद
इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल. द टॉप मोस्ट एनर्जी ऑफ द 3s बैंड विच इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल. ये तुम्हें शायद बात पहले ही समझ में आ गई थी, है ना. उसको थ्योरेटिकली लिखवा लूं, मतलब लिखवाया जा रहा है आपको बिकॉज वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली. एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं. फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, मेंस के अंदर ऐसा सवाल भी आया हुआ है, चार ऑप्शन दे दिए थ्योरेटिकल, और वो अपने को पता ही नहीं लग रहा कि फर्मी एनर्जी क्या थी. समझ गए. तो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू. क्या 3s का टॉप मोस्ट एनर्जी ये है या ये है? ये है. नहीं, 3s की तो टॉप मोस्ट ये है ना, पर क्या यही फर्मी एनर्जी है? फर्मी एनर्जी वो है जहां तक की स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन. यानी जो एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन लाए करेगा उसी से फर्मी एनर्जी डिफाइन होगी. क्या मेरी बात समझ आती है 100%? अब इसमें क्या किया मेंस वालों ने, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया. उन्होंने साथ में एक लाइन और लिखी, पता है क्या लिखी, कि फर्मी एनर्जी लेवल 0 केल्विन पे डिफाइन होता है. उन्होंने क्या बोला, फर्मी एनर्जी लेवल 0 केल्विन पे ही डिफाइन होता है. तो उन्होंने दो ऑप्शन के अंदर 0 केल्विन वाली लाइन लिखी ही नहीं, दो के अंदर लिख दी. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फर्मी एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने टेम्परेचर पर डिफाइंड होगा, 0 केल्विन. समझ गए. तो इस तरह की बातें भी हमें याद होना बिल्कुल जरूरी है, पर्टिकुलरली इस वाले चैप्टर में. कुछ समझ भी आ रहा है? तो एक स्टार बना के लिखेंगे इस लाइन को, फर्मी एनर्जी इज ओनली डिफाइंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर. फर्मी एनर्जी इज ओनली डिफाइंड एट 0 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है. रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा थर्मल एजिटेशन हो जाता है. थर्मल एजिटेशन मीन्स के एक्साइटेशन हो जाता है. जो भी अपना अभी रूम टेम्परेचर है इस पे हम ये नहीं कि फर्मी एनर्जी डिफाइन कर देंगे. इसके लिए तो एक लेवल बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइन होगी, 0 केल्विन, और कहीं पर भी इसको डिफाइन आप लोग नहीं कर सकते. बट हाँ, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्योंकि एजिटेशन हो जाता है तो आप सिर्फ ये बैंड देख सकते हैं. यू कैनॉट आइडेंटिफाई व्हाट फर्मी एनर्जी कहां है. कुछ समझ भी आ रहा है 100%? वेरी गुड. अगर यहां तक की कहानी आपने लिख ली है तो नेक्स्ट लाइन लिखें, एक और लिखिए. द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड, द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड प्रेजेंट जस्ट अबव, द लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड प्रेजेंट जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, प्रेजेंट जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, वेरी गुड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. कंडक्शन बैंड को अंडरलाइन कर लें. जस्ट आपके वैलेंस बैंड के ऊपर वाला जो बैंड होगा वो हमेशा कौन सा बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा. ये सब चीजें बिल्कुल याद रखें, ठीक है, क्योंकि एक्साइट होके मैं कहां जाऊंगा, यहां से उछल के इधर, और इसी के अक्रॉस क्या लगाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. यहां नहीं लगाते पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अक्रॉस लगाते हैं, इसके अक्रॉस, है ना, समझ रहे हो. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लगाते हो तो ये कंडक्शन बैंड ही है जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो बह रहे होते हैं, ठीक है ना. किसी भी मटेरियल के लिए यही होता है जो रियलिटी होता है. आज की डेट में अपने जो मोबाइल वोबाइल चला रहे हैं ये सब क्या है, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो भी हम लोग देख रहे हैं. तुमने सुना होगा डायोड, ट्रायोड, ये एलईडी, एलईडी टीवी, एलईडी लाइट्स, एवरीथिंग इज प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स. अब सोच लो इसमें कितनी रिसर्च हो चुकी है. पहले टीवी कैसा आता था, है ना, सीआरटी आता था ना, कैथोड रे ट्यूब, वो टीवी होता था इतना बड़ा सा. कभी खोल के देखा टीवी को, टीवी देखा होगा तो अंदर यूं एक ट्यूब निकल रही होती थी काले रंग की, देखा था. अब उससे टीवी थोड़ा सा पतला हुआ, पतला होके एलसीडी हुआ, एलसीडी याद है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना. उसके बाद में फिर ये भी बदला तो अब क्या बन गया, एलईडी. अब एलईडी के अंदर तो खर्चा भी बहुत कम होता है,
मतलब दे आर मतलब बहुत ही कम उसका वोल्टेज होता है, मुश्किल से 50-60 वॉट का टीवी होता है। और जो अपन ने जो पुराने जिनके यहाँ पर टीवी है ना, वो एलजी के आते थे फ्लैट्रॉन, कितने खुश होते थे सीधी स्क्रीन, पीछे से तो डब्बा ही था वो है ना, वो एड नहीं देखा तुमने, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा नहीं देखा, तो वो डब्बे वाले जो टीवी थे ना वो ऐसे ही थे। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अंदर मेन जो एडवांसमेंट हुआ वो एसी वाली फील्ड पे हुआ है। एक सोचो एक छोटी सी चिप है, ये तो अपन ने तो मोबाइल के साइज की चिप बना दी, और इसके अंदर मैंने है ना 200,000 डिवाइसेज और लगा रखे हैं, इसके अंदर 200,000 और डिवाइसेज हैं। हाँ होते हैं, ऐसे मत देखो, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेवल, तो बहुत खतरनाक होती जा रही है। पहले इतने के अंदर 10 ही लगा पाते थे हम, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया है ना, असली में तो इतने इतने से होते हैं, इतने से में। तो ऐसे ऐसे जो है ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वो बढ़ बढ़ के आज इस लेवल पे आ गई कि आप आईफोन के अलग अलग वर्जन देखते हो ना, तो यही सब चीजें कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, और डिवाइसेज उसमें ही घुसा देते हैं। 1,00,000 आ गए, चलो 2,00,000 लगा देते हैं है ना, 2,00,000 के 2.25 लाख कर देते हैं, और नया वर्जन आ जाता है iPhone 6s Plus है ना, उसके सारे वर्जन देखे ना, गोल्डन कलर का आईफोन, गोल्डन कलर की आई वॉच, अभी कुछ सैमसंग का भी आ गया, तो वहां दुबई के अंदर मतलब वो भी गोल्ड की मिल रही थी, 24 कैरेट गोल्ड की घड़ी ले आते फोन भी सोने का ही था, उसकी आउटर लाइनिंग जो थी वो सब सोने की। शौक है ना, नहीं वहां पता है देख भी नहीं सकते आप, शेख की बीवी को देखो तो मार पड़ जाएगी आप पे केस भी हो सकता है, आपको देश में भी भेजा जा सकता है वापस, और वापस कभी नहीं आने देंगे। ऐसा है कि 3 सेकंड बस, रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे सर 3 सेकंड के बाद में केस कर सकते हैं आप पे। मैं तो ऐसे करता था, 1-2 1-2 अच्छा तरीका था, मतलब ये बहुत अच्छा डिपेंड क्या इंडिया में तो कोई ऐसे रूल ही नहीं है, इंडिया में गाय के रूल हैं ऐसे, पर हाँ मतलब ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर थी यार वहां पे लड़कियां, बहुत ही सुंदर, मतलब अल्टिमेट नहीं, इट वॉज मत सही बता रहा हूं, मतलब ब्यूटी एट इट्स बेस्ट जिसे बोलते हैं, इंडिया में तो कुछ ब्यूटी होती ही नहीं है उसके मुकाबले, वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। मैं सोच रहा था कोई कुएं वाली मिल जाए जिसका कुआ हो तेल वेल का बहुत बड़ा, तो शादी करके वहीं कन्वर्ट होके वहीं रहने लग जाऊंगा, आऊंगा ही नहीं वापस। हाँ शेख ही बन जाऊंगा फिर तो और क्या शेख बनने के लिए आपको क्या वो रॉयल ब्लड लाइन भी होनी चाहिए आपकी, तो ऐसे शेख हर कोई नहीं बन जाता, उसके लिए आपको उनकी रॉयल फैमिली से बिलोंग करना पड़ता है। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसकी 26 बीवियां हैं, ओ क्या होता है, ठीक नॉर्मल है, उससे पहले वाले की 35 थी पर अभी क्योंकि ये जिंदा है तो वो हर साल क्या पता एक एक और कर रहा हो, तो वो बढ़ाता रहेगा, ऐसे चलता है वहां पे सिस्टम, बढ़िया सिस्टम है ठीक क्या फर्क पड़ रहा है हम लोगों का, हम तो यही है ना, क्या हो गया है? एक तो कर लो पहले, बहुत बढ़िया सवाल है, तुम शादी की बात मत करो चलो है ना आगे बढ़ जाओ, चलो हैंग डालो इसके बाद में। बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड्स और ब्रैकेट में मेटल्स लिख लेना, पर्टिकुलरली हम मेटल्स की बात करेंगे, बल्कि सॉलिड लिखने की जरूरत है ही नहीं, बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स ही लिखो, क्योंकि मेटल तो अपने लिक्विड भी हो जाते हैं कुछ रूम टेम्परेचर पर, जैसे ब्रोमीन भी होता है क्या, ब्रोमीन मेटल है क्या या नॉन मेटल है, नहीं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मेटल्स में तो मरकरी ही होता है या ब्रोमीन भी होता है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल राइट, हाँ यार ये तो मेरे को भी आती है इतनी केमिस्ट्री, तो यार ऐसे क्या कन्फ्यूजी आ रही है, चलो इसमें लिखो एक लाइन जल्दी से, बैंड स्ट्रक्चर इन मेटल्स है ना, लिखे इसमें, मेटल्स आर सब्सटेंसेस इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
हाँ ऐसे ही लिखेंगे, सही है. इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस में घुस गए बेटा? कंडक्शन बैंड के अंदर ही घुस गए. मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, एक तो ये था और एक क्या था बेटा, ये कौन सा बैंड मान लिया? वैलेंस बैंड. और ये कौन सा बैंड मान लिया? कंडक्शन बैंड. क्या तुम लोगों को ओवरलैपिंग नजर आ गई? ये पोर्शन किसका हो गया? ओवरलैपिंग का. ठीक है, तो बेसिकली अगर सोचो, अगर ध्यान से, तो क्या एनर्जी गैप इज जीरो? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, यहां देखो, चलो इधर देखो, क्या यहां इसके लोएस्ट और इसके हाईएस्ट में इतना एनर्जी गैप है? ये एनर्जी गैप कहलाता है बेटा, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईजी. मतलब ये वैसे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आता है. गलत सोच रहे हो सर, कोई बात नहीं. नेक्स्ट बैंड का लोएस्ट और फर्स्ट बैंड का हाईएस्ट का जो गैप है, दैट इज टर्म्ड एज, ध्यान रखना, जो रियल डेफिनेशन है वो यही है. जो तुमने सिंगल एटम के लिए पढ़ा है, सीधी सीधी लाइन खींच के उसके अंदर को अपन सीधे बोल देते हैं. याद आ रहा है कुछ? टू से वन का गैप क्या होता है? पक्का याद है? चलो कुछ कुछ बातें याद है. तो दिस इज ईजी, विच इज द एनर्जी गैप. याद रखना इसका नाम क्या है? एनर्जी गैप. अब मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा यार, है ना? ठीक है, तो देख, ये जो एनर्जी गैप है, ये यहां पर क्या है? खत्म बात. ठीक है ना, तो बेसिकली मेटल्स वो होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से बैंड में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में. इसीलिए हमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए? किसके लिए? हमेशा कंडक्शन के लिए. तो मेटल्स इसीलिए फायदेमंद होते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए क्या लाते हो? नॉन मेटल लाते हो, मेटल लाते हो? ये फायदा था, क्योंकि डेल्टा ईजी क्या था इसके अंदर? जीरो. समझ पा रहे हो? डेल्टा ईजी मतलब एनर्जी गैप. ठीक है, किसमें? हाँ, तो वीबी में. यहां ओवरलैपिंग हो गई ना, तो फ्री टू मूव है ना. यहां पे जरूरी नहीं है ना ऐसे हाफ फील्ड वाला हो, है ना? इट इज नॉट नेसेसरी कि हाफ फील्ड वाला हो, ज्यादा भी हो सकता है. हम तो एक जनरल डायग्राम बना रहे हैं. जो तुम्हें एनसीईआरटी वगैरह में डायग्राम मिलेगा ना, वो ऐसा होगा. देख, ऐसे डब्बा बना हुआ होगा, इस पर लिखा हुआ होगा सीबी, और इसी के अंदर एक डब्बा और बना देंगे ऐसे, और इस पर क्या लिखा होगा? वीबी. और यहां पर क्या दिखा देंगे? ओवरलैप. ठीक है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग. मेरे को ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो तुम चाहो ऐसे बना लो, मैं कोई रोकूंगा थोड़ी. डब्बे बना लो ऐसे. ठीक है, बना ले प्लीज जल्दी से. डेल्टा ईजी लिख लें, जीरो होगा. लिखा सारे बच्चों ने? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, वी कैन ऑल्सो से दैट द सब्सटेंसेज इन विच, वी कैन ऑल्सो से दैट द सब्सटेंसेज इन विच द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, वीबीसीबी लिख लो इनको, वीबीसीबी. वी कैन ऑल्सो से दैट द सब्सटेंसेज इन विच द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स और ओ आर और द वैलेंस बैंड एग्जिस्ट इन द और द वैलेंस बैंड एग्जिस्ट इन द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ कॉमन ऑर्बिटल और द वैलेंस बैंड एग्जिस्ट इन द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द कॉमन ऑर्बिटल आर कॉल्ड क्या चीज? मेटल्स. आर कॉल्ड मेटल्स. अच्छा, सोडियम मेटल है नॉन मेटल है? पक्का? तो सोडियम का अगर क्रिस्टल लेता तो उसका डायग्राम ऐसा बनता या ऐसा बनता? बताना मेरे को, आप लोग बताएंगे. देखो, क्या इसमें लास्ट शेल हाफ फिल्ड है भाई? इसका वैलेंस बैंड कैसा है?
तो इसका कंडक्शन बैंड कहां से चालू होना चाहिए, यहां से या यहां से? नीचे वाले से ना, प्योरिटी के साथ। तो जब मैं सोडियम के लिए इसको बना रहा था ना, तो मैंने ऐसे बनाया, ये कौन सा बैंड आ गया, वीबी। वीबी कैसा था, हाफ फिल्ड, ठीक है। अब इसमें जब कंडक्शन बैंड बनाऊंगा तो यहां से गैप दूंगा या यहीं से चालू कर दूंगा? वेरी गुड। तो हमने जब कंडक्शन बैंड बनाया तो कंडक्शन बैंड यहां से चालू हो गया। ये कौन सा बैंड है आपका, कंडक्शन बैंड। क्या ओवरलैपिंग नजर आ गई? हाँ भाई, डाउट क्लियर हुआ किसी का? लग गया ना। तो अगर वो हाफ फील्ड है ना, तो हाफ फील्ड के हिसाब से कंडक्शन बैंड एडजस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि कंडक्शन बैंड और ये ओवरलैप किए तो मैंने कंडक्शन बैंड यहां से बना दिया। यहां से बनाया क्या मैंने? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें लाए किया? नहीं किया। यहां से अगर बनाता तो करता क्या? पर हां, वीबी और सीबी तो ओवरलैप कर गए। तो आपको आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाने के लिए कंडक्शन बैंड को फर्मी एनर्जी लेवल के साथ बनाना पड़ेगा। सोच के देख यार, बातों को रिलेट कर पा रहे हो? मैंने बोला कि आपका जो कंडक्शन बैंड है उसका लोएस्ट एनर्जी लेवल शुड लाई बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल। सही या गलत? पक्का सोच पा रहे हो जो बोला मैंने? 100% कुछ जा रहा है ना बेटा दिमाग में? सच्ची बोल रहे हो? वेरी गुड। ये डायग्राम बना ले, इसमें लिख लेना फॉर सोडियम। अरे ये बेटा, ये तो जनरल मैंने बनाया था, मैंने तेरे को सिर्फ ओवरलैपिंग रीजन बताया है ना, ठीक है। दिस इज जस्ट अ जनरल डायग्राम, है ना। इस डायग्राम को चाहे तो, अगर तुझे कंफ्यूजन है तो ऐसे कर ले देख। ये वाला पोर्शन भी क्या है, वैलेंस बैंड से भरा हुआ, पर इस पोर्शन में ओवरलैपिंग हो गई। समझ गया? ये सब क्या बन गया अपने, कंडक्टर, है ना। अगला बना लो अब बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स का डायग्राम खुद से बनाओ, डब्बे वाला ही बना दो तुम लोग डायग्राम, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। इंसुलेटर्स के लिए खुद से देखो बैंड स्ट्रक्चर इन इंसुलेटर्स या नॉन मेटल्स, ऐसे भी बोलना चाहो। खुद से बना पाओगे वीबीसीबी वाला डायग्राम? क्या वीबीसीबी में बहुत सारा गैप? तो बना डालो गैप वाला। वीबीसीबी अच्छा खासा गैप बना दें, ठीक है। इस गैप को पता है कुछ लोगों ने नाम भी दे दिया, इस गैप का नाम था फर्मी एनर्जी गैप। मतलब क्या, जहां भी किसी साइंटिस्ट को इज्जत देनी थी ना, वहां उसका बस नाम जोड़ दिया गया। अब बस यही तो करते थे और क्या, आजकल तो कुछ नाम होते ही नहीं है। आईफोन आईफोन या किसी साइंटिस्ट के नाम पे थोड़ी है, नहीं तो रिसर्च तो बहुत तगड़ी हो रही है मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी में। आजकल सारी रिसर्च कंपनी के नाम हो जाती है। किसी आदमी का नाम सुना एप्पल का आईफोन इसने बनाया? स्टीव जॉब्स मत बोलना, उसने बनाया नहीं है, ही इज जस्ट द मास्टर माइंड। बनाया उसने थोड़ी है, उसने तो विजन देखी ऐसा फोन होना चाहिए, जिसने बनाया वो है साइंटिस्ट। तो पर अपन तो नाम ही नहीं सुनते, बटन से टच स्क्रीन पे आ गए, साइंटिस्ट का नाम नहीं पता बनाया किसने, बल्ब किसने बनाया? एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है चलो पता है तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। ये बना लिया क्या? बना लिया, वेरी गुड। इसमें लाइन लिख लो एक जल्दी से, when there is no overlapping between VB and CB, when there is no overlapping between VB and CB, when there is no overlapping between VB and CB, then
देन इलेक्ट्रॉन्स, देन इलेक्ट्रॉन्स कांट फ्लो, देन इलेक्ट्रॉन्स कांट फ्लो फ्रॉम वीबी टू सीबी, कांट फ्लो फ्रॉम वीबी टू सीबी एज सीबी एग्जिस्ट्स, एज सीबी एग्जिस्ट्स हाई अबव द फर्मी एनर्जी लेवल, एज सीबी एग्जिस्ट्स हाई अबव द फर्मी एनर्जी लेवल. ठीक है, बहुत हाई लेवल के ऊपर देख लेना, गैप बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब इस गैप को डिफाइन कर दिया. जनरली ये जो गैप है अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है तो वो इंसुलेटर होता है. क्या होता है वो? इंसुलेटर. ये जो फर्मी एनर्जी गैप आप लोग देख रहे हैं ना, इफ दिस फर्मी एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देन द मटेरियल इज नोन एज व्हाट? इंसुलेटर. क्या मेरी बात समझ गए? तो नेक्स्ट लाइन में स्टार बना के लिख लेंगे. इफ इफ द फर्मी एनर्जी गैप, इफ द फर्मी एनर्जी गैप ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा ईजी, इफ द फर्मी एनर्जी गैप और डेल्टा ईजी इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स देन द मटेरियल इज नोन एज, देन द मटेरियल इज नोन एज इंसुलेटर. ठीक है, कैसा हो जाता है मटेरियल? इंसुलेटर. समझ में आ रहे हैं डायग्राम्स? नेक्स्ट डायग्राम. नेक्स्ट की किसकी बात करनी है? सेमीकंडक्टर्स. सो हेडिंग डाल लो बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर्स, बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर्स, और लिख लो बैंड स्ट्रक्चर इन सेमीकंडक्टर्स. तुम्हें पता है तुम्हें डायग्राम कैसा बनाना है? पता है कि नहीं? ओवरलैप कराना है क्या? इतना सारा गैप रखना है क्या? छोटा सा गैप. कितना सा गैप? छोटा सा गैप, है ना. तो पहले लिख लें इसके अंदर द डेल्टा ईजी इन दिस केस इज वेरी स्मॉल, द डेल्टा ईजी इन दिस केस इज वेरी स्मॉल, द डेल्टा ईजी इन दिस केस इज वेरी स्मॉल एज द सीबी इज वेरी क्लोज टू FEL, फर्मी एनर्जी लेवल, है ना. मतलब छोटे में लिख लो अच्छा रहेगा, इतना लंबा लंबा क्या लिखोगे. एज द सीबी इज वेरी क्लोज टू फर्मी एनर्जी लेवल, फुल स्टॉप. इस बार सीबी और फर्मी एनर्जी लेवल बहुत पास पास है, है ना. नेक्स्ट लाइन लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें इफ डेल्टा ईजी इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, if delta eg is less than 2 electron volts then valence electrons, then valence electrons at room temperature, gain energy by thermal agitation, gain energy by thermal agitation, गेन एनर्जी बाय थर्मल एजिटेशन. क्या हो गया? एंड फ्लोज इनटू सीबी, एंड फ्लोज इनटू कंडक्शन बैंड. कौन से बैंड में पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में. ठीक है, रूम टेम्परेचर की कहानी है और रूम टेम्परेचर पे भी हीट कर रहे हैं. रूम टेम्परेचर पे भी क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. अच्छा, इसको अगर अपन 0 केल्विन पे ले जाएंगे, ये मान लो अपन पायरोमेट्री की बात करने लगे, पायरोमेट्री मतलब वेरी लो टेम्परेचर्स, है ना. तो अगर अपन लोग बहुत लो टेम्परेचर्स पे सेमीकंडक्टर लेंगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. ठीक है, तो एक स्टार बना के लिख लो इसके नीचे एट वेरी लो टेम्परेचर्स इंसुलेटर्स बिहेव लाइक, सॉरी सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स. एट वेरी लो टेम्परेचर्स सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स.
ठीक है। सेमी कंडक्टर कैसे हो जाते हैं बेटा, इंसुलेटर्स की तरह एड करने लगते हैं। एनर्जी डायग्राम बनाओ जल्दी से। सेमी कंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये बहुत हाईली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स के लिए मटेरियल है ना। सिलिकॉन का होता है जैसे डेल्टा इजी 1.1, ठीक है। अपन मेनली मतलब सिलिकॉन की और जर्मेनियम की ही बात करते रहते हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। फिर उसके अंदर हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, उसमें कुछ तो प्योर लेंगे, कुछ उसमें इम्प्योर लेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो इस तरह से जो चैप्टर है ये चलता रहता है, समझ गए। तो देख अभी अपन ने ये देखा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप कैसा रहा, बहुत कम रहा तो क्या कहलाया, सेमीकंडक्टर। बहुत ज्यादा तो इंसुलेटर, और ओवरलैप कर गए तो। अच्छा ओवरलैपिंग में क्या जरूरी है, ऐसा हो जाए ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, जनरली नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे केसेस जो है वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, समझ गए। अपने को जो केसेस मिलते हैं उनमें मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग दिखती है। इस तरह की ओवरलैपिंग मिलना चांसेस बहुत कम होता है, हो सकती है बट द चांसेस आर वेरी लेस। तो इसलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं करते। कोई अगर ऐसा डायग्राम बना के दे दे कंडक्टर का तो वो गलत है। वो कैसा है ध्यान रखना, बस बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना अपने आप, ठीक है ना, मन में रखना इस बात को। क्या बेटा? नहीं चल, साइज वाली तो बात है ही, पर अपन लोग क्या करते हैं, दूसरे इंटरेक्शन जो हो रहे हैं ना उनके कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि प्योर ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, वो कभी एग्जिस्ट करेगा नहीं, समझ गए सब। चलो एक लाइन लिखें इसके बाद में। फॉर सिलिकन डेल्टा ईजी इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ईजी इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दस it is easier to shift the electrons from VB to CB at room temperature. Easier to shift electrons from VB to CB at room temperature. VB to CB at room temperature, है ना। तो अब इसका अपन ने क्या थोड़ा सा एनालिसिस ज्यादा किया। सुनो, अरे बातें नहीं, यहां आ गया 1s, यहां क्या आ गया बेटा 2s, है ना। अरे 1s के बाद क्या आता है? 2s. बहुत बढ़िया, शानदार, वाओ। 2s के बाद क्या आएगा बोल? 2p के बाद? बहुत बढ़िया, वाह, सब पता है तुम्हें। अच्छा 1s जो था वो तो ग्राउंड स्टेट थी, yes, ये तो सिंगल लाइन ही रहता है। 2s भर जाता है, मान ले 2s पूरा भरा हुआ है, फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। ये कौन सा वाला था बेटा? 2p, क्यों? अरे ये कौन सा वाला है, मान ले 2p आधा भरा हुआ है, ये अपना 2p है, 2p कैसा भरा हुआ है बेटा? आधा। तो ये कौन सा बैंड है? वैलेंस बैंड, वेरी गुड, दिस इज अवर वैलेंस बैंड। और ये कौन सा हो गया? कंडक्शन बैंड। अब क्या ये वाला गैप बहुत छोटा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे हैं अपन, ये मत सोचना कि सर ये तो सेमीकंडक्टर हो ही नहीं सकता, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल की तरह बात करें। तो बताइए ये वीबी है, ये सीबी है, तो अपन ने क्या बोला कि सेमीकंडक्टर्स को अगर किस पे रखा जाए बेटा, रूम टेम्परेचर पे, और उनको क्या किया जाए, थोड़ा सा थर्मली एजिटेट किया जाए, यानी एक्साइट किया जाए, तो इन दैट केस क्या होता है, क्या यहां वाले जो है वो यहां भागने की कोशिश करेंगे? तो होता क्या है, इनके भागने के चक्कर में देर इज अ न्यू वेराइटी
डेवलप्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो वैरायटी कहलाती है होल्स. क्या कहलाती है वो वैरायटी? इलेक्ट्रॉन्स जहां से मूव कर गया, क्या वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया? और जहां चला गया वहां पर क्या ले गया अपने साथ? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक नई वैरायटी डेवलप हो गई. जैसे मान ले यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां, वो जो इलेक्ट्रॉन था मान ले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी पहुंचा रहा हूं बस, है ना. ये मत सोचना कि सर 6 तो जा ही नहीं सकते. 6 इलेक्ट्रॉन मान लो पहुंच गए, ये सब क्या थे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जितने इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही होल्स कहां डेवलप हो गए? वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड में? तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होल्स? ध्यान रखना. और वैलेंस बैंड में कौन होते हैं? हमेशा याद रख, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में. तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या क्रिएट हो गए? क्या ये पॉजिटिव स्पीशीज थी? कैसी स्पीशीज थी? इसके ऊपर अगर ई प्लस भी बोलूं तो चलेगा? अबे चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का ही है ना, बस कैसा हो गया वो? पॉजिटिव. तो ये एक नई स्पीशीज डेवलप हुई जिसका क्या नाम रखा गया बच्चों? अब सारी जो कहानियां आगे आएंगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पे ही बेस्ड है. किस किस पे बेस्ड है वो सारी? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है. और ये होल्स जो हैं ये अपना करंट ला सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना करंट लाते ही हैं. इलेक्ट्रॉन का करंट तो सब जानते हैं ना. होल्स कैन ऑल्सो कंडक्ट, इनका भी कंडक्शन पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का भी कंडक्शन पढ़ते हैं. और इन दोनों को मिला के बोलते हैं चार्ज कैरियर्स. क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर्स. समझ रहे हैं? ठीक है. तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स की बात करूं तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे? और कौन पार्टिसिपेट करेगा? होल्स. दोनों पार्टिसिपेट करते हैं. तो मुझे दोनों के करेंट्स मिल सकते हैं, होल करेंट अलग और इलेक्ट्रॉन वाला करेंट अलग. समझ गए? तो इसीलिए थोड़ा सा अब जो है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी चालू होगी इस चैप्टर में. अभी तो थ्योरी सी थ्योरी थ्योरी चल रही थी, आगे भी ऑल दो थ्योरी वाला पार्ट बहुत सारा है, पर अब धीरे धीरे जो है ना आपको ये समझना पड़ेगा कि होल्स ने कैसे कंडक्शन किया और इलेक्ट्रॉन्स ने कैसे किया. क्लियर है सबको? आज इतना करते हैं, बाकी आगे करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड में. वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? वही पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी? होल्स. अब वो जो होल्स है हमारे पास, उन्हीं होल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चर्चा करेंगे. हम लोगों ने कल भी ये वाली बात बोली थी कि ये हो गया 1s, ये हो गया हमारे पास में 2s, ये हो गया मान लो हमारे पास में 3s. 3s के बाद क्या आता है? अरे बोल तो दो, ये क्या हो गया? 3p एंड सो ऑन. मान ले 3s जो है वो हमारा vb था. हाँ 2p. तुम साले क्या हो गया? 2p और 3s. ठीक है, आओ इधर. ये कौन सा बैंड है बेटा? vb. मान लो ये कौन सा बैंड है हमारा, और ये कौन सा वाला है बच्चों? CB. ऑब्वियसली VB के ऊपर कौन सा लाया करता है? CB लाया करता है. और अगर ये VB है तो इसके अंदर क्या मौजूद थे? नहीं, पहले तो इलेक्ट्रॉन थे. पहले क्या थे? ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर पहुंचे? CB के अंदर, जिससे इन्होंने क्या किया बेटा? कंडक्शन. ठीक है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचे तो इन्होंने यहां पर एक नई स्पीशीज जनरेट कर दी. उस स्पीशीज का क्या नाम था? होल्स. ठीक है, यही वाली हम लोगों ने बात की थी. ये जो होल्स थे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के जाने से बने तो इनपे चार्ज प्लस ई, और यहां पर चार्ज माइनस ई, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज. और अगर मैं इस पे मान ले यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कहां ट्रेवल करेगा? क्या यहां पर? होल्स कहां ट्रेवल करेंगे? यहां पर. बोल, करेंगे कि नहीं? मतलब मुझे करंट जो मिलेगा वो दो तरह का मिलेगा. करंट कितने लोगों से मिलेगा इस बार? दो लोगों से, एक इलेक्ट्रॉन से अलग और दूसरा होल से अलग. यानी देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, वन विल बी इलेक्ट्रॉन्स, अदर विल बी होल्स. समझ रहे हैं? मतलब कि यहां पर हमें दो चीजों के कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है. वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर इज द नंबर ऑफ होल्स. कुछ लोग इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जस्ट नेम्स, उस नाम से डरने की बात नहीं है, बस चार्ज कैरियर बोल लो या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोल लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, उसमें आपको डरना नहीं है कि ये नाम कैसे आ रहे हैं, नहीं नहीं, दीज आर जस्ट नेम्स. तो एनी इम्प्लाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनएच इम्प्लाइज द नंबर ऑफ होल्स. अच्छा, यहां जितने इलेक्ट्रॉन थे जो ऊपर पहुंचे, क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतने ही होल्स जनरेट होंगे? मतलब क्या एनी और एनएच का नंबर बराबर होना चाहिए? अरे जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे उतने ही तो होल्स बनेंगे. मतलब कि एनी शुड बी इक्वल टू व्हाट, एनएच. समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि देयर आर टू कैरियर्स, वन इज इलेक्ट्रॉन, अदर इज होल्स. बट दीज आर नॉट करेंट देमसेल्व्स, ये खुद करेंट नहीं है, ये करंट कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं. ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बहेगा तो करंट आएगा. इलेक्ट्रॉन को करंट बोलते हो क्या, या उसके बहने से करंट आता है? बहने से करंट आता है. तो ये बात ध्यान रखना कि होल्स आर नॉट करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट करंट, उनके फ्लो से करंट आया. फ्लो कब होगा? जब पोटेंशियल लगाओगे. जबरदस्ती फ्लो नहीं होती चीजें. अनलेस यू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं मिलेगा. क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? 100%. जिन लोगों ने डायग्राम कल बना लिया था वो लोग ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव लगा लें, जिन्होंने नहीं बनाया है वो नया नया डायग्राम बना लें. चार पांच पन्ने, कितने पन्ने छोड़वाए लोगों से? तीन पन्ने छोड़ दो और सीधे ये डायग्राम बना लो. हाँ, चार छोड़ दो यार तुम, और ये डायग्राम बना के पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो और कुछ लाइन्स लिख लो जो आपको बोली जा रही है. अच्छा हाँ, ज्यादा अकलमंद लोगों के लिए एक लाइन बोल दूं पहले ही, इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, चुपचाप से लिख लेना, स्टाइल मत मारना. पहले ही बता रहा हूं, थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन. अच्छी राइटिंग में लिख लेना जिससे बाद में पढ़ो तो समझ आए. अड़ोसी पड़ोसी पे स्टाइल मारने की इसमें कोई जरूरत नहीं है. समझ गए ना? हाँ, चलो डायग्राम बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो और लिखें, हियर वी हैव. डायग्राम नहीं बनाया तो जल्दी बनाओ, लिखो लिखो. हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कंडक्शन, ऑफ कंडक्शन. फर्स्ट, पहली पॉसिबिलिटी किससे है बच्चों, बोलो? इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स किस में, कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में? तो पहली पॉसिबिलिटी तो हो गई इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. सीबीसीबी लिख लें उसको, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड. सेकंड पॉसिबिलिटी कहां से आई, होल्स इन द वैलेंस बैंड. ऐसा नहीं कि होल्स को कंडक्शन बैंड में बना दो. तो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स इन द वैलेंस बैंड, यह आपका एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि एक सेमीकंडक्टर के अंदर या किसी भी एक मटेरियल के अंदर जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रिस्टल की, तो उस क्रिस्टल में कंडक्शन किसके थ्रू होता है. अब वो एक तो ये लाइन लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दूसरा लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स इन वीबी एंड होल्स इन सीबी, तीसरी लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी एंड होल्स इन वीबी, और चौथी लिख देंगे नन. क्या तुम्हें आंसर पता है? इलेक्ट्रॉन्स इन सीबी, होल्स इन. ध्यान रखें, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट आगे लिखें, लिखो बेटा, दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स. नेक्स्ट लाइन में लिखें, दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स. दीज आर नोन एज चार्ज कैरियर्स, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन स्टार बना के लिखेंगे. ये तुमने ऑल दो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था कि कैसे एक सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्शन में चेंजेस आते हैं, पढ़ा था, याद है? अल्फा की वैल्यू पड़ी होगी, अल्फा आर इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, याद आ रहा है ना? उसी फॉर्मूले को यहां पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऑल दो मैं डायरेक्ट तुम्हें लिखवा रहा हूं, तुम वो पढ़ चुके हो, ठीक है? लिखो, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार बना के लिखना है. विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज. विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज.
The conductivity of a semiconductor increases due to thermal agitation. Due to thermal agitation. Same line चल रही है, full stop मत लगाना. Due to thermal agitation. किस कारण बढ़ी उसकी उसकी जो कंडक्टिविटी थी? मैंने थर्मली एक्साइट कर दिया उसे, हीट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन. मुझे पता होना चाहिए हीटिंग के साथ क्या इफेक्ट आता है सेमीकंडक्टर के ऊपर. ठीक है, आगे लिखें, फुल स्टॉप लगा के. रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नहीं ऐसे लिखो, रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट करेंट इन themselves. Remember that electrons and holes are not current in themselves, but only act as negative and positive carriers of current. But only act as negative and positive carriers of current. ठीक है, वही जो अभी हम लोगों ने बात की थी उसी को लैंग्वेज में आपको लिखवा दिया गया है. नेक्स्ट लाइन अगेन एक स्टार बना के. एज द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या आएगा बताओ? एनी और एनएच क्या होने चाहिए? बराबर. तो आप लोग सीधे एक लाइन लिख लेंगे, एनी इक्वल्स टू एनएच. एज द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, N equals to NH. ठीक है, सबने लिखा है? हाँ जी. थर्मल एजिटेशन इज हीटिंग, थर्मली एक्साइट करना किसी चीज को, हीट कर देना. ठीक है, एजिटेशन का यही मतलब होता है, एक्साइटेशन. चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब लोग टाइप्स. Types of semiconductors. पता है क्या किसी को? अरे एन टाइप पी टाइप नहीं हुए. एक तो होता है बच्चों इंट्रिंसिक और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में दो तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स. दीज आर व्हाट? प्योर सेमीकंडक्टर्स. प्योर का मतलब जैसे जो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे, फॉर एग्जांपल सिलिकन, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. सिलिकन के मतलब जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट फुलफिल्ड होती है या चार ही होते हैं उसमें? चार होते हैं ना. तो सिलिकन होता है, ऐसे ही जर्मेनियम हो गया. दीज एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स. और कैसे वाले? प्योर वाले. तो जब हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट प्योर सेमीकंडक्टर्स. यानी इंट्रिंसिक इज ब्रैकेट में प्योर. तो एक्सट्रिंसिक कौन से होते होंगे? इम्प्योर, या कुछ लोग इसे एक अच्छा सा नाम देते हैं, डोप्ड. क्या नाम देते हैं इनको? डोप्ड. तुमने सुना है ना, डोपिंग होती है, खिलाड़ियों ने डोपिंग कर ली. कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं वो पावर जनरेट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए. मेजर किसमें देखा गया ये डोपिंग? एथलीट्स, क्रिकेटर्स का सुना है क्या डोपिंग करते हुए? क्रिकेटर्स डोपिंग नहीं करते, फुटबॉल प्लेयर भी डोपिंग नहीं करते, टेनिस और बैडमिंटन वाले भी नहीं करते. मेजर कौन करते हैं? एथलीट्स करते हैं. दे वांट इंस्टेंटेनियस पावर. अब सोचो उसेन बोल्ट अगर 100 मीटर की रेस भागने के लिए 50 सेकंड लेगा तो कोई फायदा है क्या? नहीं है ना. तो वो क्या करेगा? एक एनर्जी का इंजेक्शन लगा लेगा जिससे 100 मीटर भागने में उसे 8 ही सेकंड लगे. यही फंडा अप्लाई होता है यहां पर भी. क्या करते हैं? अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी पावर को अच्छा करने के लिए, या अपने आप को एक अच्छा मटेरियल साबित करने के लिए हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेते हैं और उसके अंदर कुछ बाहर की इम्प्योरिटी ले आते हैं. क्या लेते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसमें क्या मिला दिया जाता है? बाहर की इम्प्योरिटी. ठीक है, वो इम्प्योरिटी अलग अलग तरह की होती है जो हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग अभी बोल रहे थे एन टाइप और पी टाइप. ठीक है, एक होती है पेंटावेलेंट, ठीक है ना, और एक होती है ट्राइवेलेंट.
दो तरह की इम्प्योरिटीज हम लोग पढ़ते हैं, एक होती है एन टाइप, दूसरी होती है पी टाइप। अभी आएगा इसलिए डरना नहीं है, बस अभी हमें यह डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक कौन सा होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं इम्प्योर या फिर डोप्ड। ठीक है, डोपिंग का मतलब सबको पता लग गया, कोई बात है क्या? खाना ज्यादा खा लिया? खाया ही नहीं, खाना नहीं खाया, कुछ मंगा दें पिज्जा वगैरह। यस सर, बारात में आए हो? अरे भाई क्या हो गया, कोई बात है क्या? जल्दी से टाइप्स बना के ऐसे लिख लो, इंट्रिंसिक प्योर, एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं इम्प्योर या फिर डोप। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वन लाइन क्वेश्चंस के अंदर, क्या पूछते हैं वो लोग के व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, तो डोपिंग का मतलब क्या होगा जल्दी बोल दो, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी टू अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, डोपेंट क्या होता है? जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं दैट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपेंट, समझ रहे हैं? और डोप्ड मटेरियल क्या होगा, जो बन गया, जो फाइनली बन गया, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट आया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग करने के बाद, दैट इज नोन एज डोप्ड मटेरियल फाइनल। ठीक है, ये सब डेफिनेशन लिखवानी है क्या? लिख लो, लिखो, ये तो लिख ही लिया ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक में लिख लो दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक में दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स एंड हैव लो कंडक्टिविटी, एंड हैव लो कंडक्टिविटी, प्योर होते हैं और कंडक्टिविटी कैसी होती है इनकी, कम होती है। एंड हैव लो कंडक्टिविटी, आगे लिख लें इंट्रिंसिक में ही, जनरली जनरली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर टेकन, जनरली फोर्थ ग्रुप एलिमेंट्स आर टेकन, एग्जाम्पल बोलो सिलिकन और जर्मेनियम। सिलिकन का डेल्टा ईजी बताया था ना कल, कितना था 1.1 है ना, तो सिलिकन का जो डेल्टा ईजी था इट वाज अराउंड 1.1 है ना, और इसी तरह से जर्मेनियम जो होता है ना, जर्मेनियम का होता है बेटा डेल्टा ईजी अराउंड 0.7, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कितना होता है इसका 0.7। ठीक है, तो इन दोनों को ही काम में लिया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जनरली फोर्थ ग्रुप के होते हैं, और कंडक्टिविटी कैसी होती है, कम। अब आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी दे के बाहर से और खुश कर दे तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वही वाली चीज है। ठीक है, वो कौन बन गया बेटा, एक्सट्रिंसिक, दैट्स इट, यही कहानी होती है, नथिंग एल्स। तो ये लिख लिया तुमने, नोट कर लो जल्दी से, सिलिकॉन की इतनी, जर्मेनियम की इतनी, ये दोनों प्लीज नोट कर लें, है ना। और देखो जब ये क्रिस्टल में एग्जिस्ट करते हैं, अभी इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, आपस में प्लीज बातें ना करें, आखिरी बार बोलूंगा फिर मैं सीधे बाहर निकालूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं इस बारे में, ठीक है, मतलब आई एम नॉट जोकिंग, प्लीज वी आर हियर टू स्टडी, प्लीज स्टडी, अगर आपको आता है आप बाहर चले रहे, किसको आता है बता दो, वेरी गुड, हाँ आते है क्या, नहीं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो चलो आओ देखो किस तरह से होता है, हम लोग क्रिस्टल की बात कर रहे हैं या एटम की, क्या क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे? अब सोचो जरा, अगर सिलिकॉन एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टल, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मतलब चार और चार चाहिए उसे, और तो वो क्या करता है पड़ोसी से कितने ले लेगा, चार, तो वो चार चार के ऐसे ग्रुप में एग्जिस्ट करता है ऐसे। डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा तब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना, देखना इसको, बहुत अच्छा सा डायग्राम है। चाहो तो बनाना चालू कर सकते हो, अभी हम लोग इंट्रिंसिक की ही बात कर रहे हैं।
बना ले सब लोग। सिलिकन सिलिकन खेल रहे हैं हम। अच्छा इसको जर्मेनियम भी बना सकते थे, है ना, डरना मत कि सिलिकन का अलग होगा जर्मेनियम का अलग होगा, जो भी फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट होगा सबका सेम डायग्राम बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बना लिया? ओ ये वाले रह गए, पूरा बनाना भैया ना। डन। चलो अब इधर देखो क्या हुआ इसमें, सब लोग यहां ध्यान दें। अच्छा नहीं बनाया तो भी देख लो, एक बार यहां देख लो उससे बाद बनाते रहना, अच्छी अच्छी चीज है। बता इसके ऑर्बिट, इसके लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? चार। एक दो तीन और चार, बोलो थे कि नहीं। इसने क्या पड़ोसी से एक एक लेके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए? बॉन्ड फॉर्मेशन आता है सबको, चार की जरूरत है, चार है तो चार दे देगा और चार ही ले लेगा। तो इसने इससे कितने शेयर किए भाई? ये सबसे एक एक लेके खुश हो जाएगा ना, और ऐसे ये भी क्या करेगा, इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, बोलो सबसे एक एक लेके सब लोग खुश रहेंगे। तो दे विल ऑल रिक्वायर व्हाट? वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजॉइनिंग सिलिकॉन एटम्स। बोलो चाहिए कि नहीं? अड़ोसी पड़ोसी से एक एक लेके सब लोग क्या हो गए? खुश। और सबने क्या बोला? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड तो अब पूरा हो गया, तो क्या ये हाईली स्टेबल हो गया? अरे सोच के देखिए, क्रिस्टल स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है, वेरी गुड। तो अगर ये स्टेबल हुआ तो इसने इसका एक ले लिया, यहां से एक ले लिया, यहां से एक ले लिया और यहां से एक ले लिया। क्या तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट नजर आ रहा है? आठ का गोला बन गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है 100%। ये तो स्टेबल था। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने इसे सेमीकंडक्टर बोला तो हमने नीचे से क्या देना चालू की इसको? हीट, यानी भी थर्मली एजिटेटेड, इट थर्मल एजिटेशन दिया इसको नीचे से। दिख रहा है सब लोगों को? वेरी गुड। आगे देख, जैसे ही हम इसे हीट करते हैं तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एनर्जी गेन करता है, ठीक है? और सोचो जरा कितनी एनर्जी मिलने पर ये ऊपर भागेगा। अरे लिखी हुई है क्या? 1.1 भाई, जैसे ही इसे 1.1 मिली क्या वैसे ही ऊपर भागा? ऊपर कहां भागा? कंडक्शन बैंड में, यानी यहां पर एक क्या एग्जिस्ट कर रहा था? कंडक्शन बैंड एग्जिस्ट कर रहा था। दिस इज योर सीबी विच इज एग्जिस्टिंग। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टूटता है और वो कहां भागता है बेटा? कंडक्शन बैंड में। यहां आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, देख पा रहे हो? गरम किया, टूटा, अरे नजर आ रहे कहां भागा? सीधे कंडक्शन बैंड। क्या ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बिजली देने को? अगर मैं क्या लगा दूं? पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के काम का है क्या? जल्दी नहीं है ना यार। बहुत बढ़िया, तो ये यहां से उड़ा और पहुंच गया यहां, इलेक्ट्रॉन आ गया कंडक्शन बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहां क्या बचा? होल। वेरी गुड। तो इसके जाने पर यहां जो क्रिएट हुआ वो क्या? एक इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशी थी, दैट इज नोन एज द होल। वही क्या होता है? होल। तो एक होल इस तरह से हमारे पास में डेवलप हो गया। क्या एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ही होल बनेगा? दो जाते तो कितने बनते? पर अब हमें तो और गर्म करना था, हम यहां नहीं रुके, हमारी इच्छा थी अभी और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करें जिससे कि और क्या जनरेट होंगे? होल्स। तो बता अगला इलेक्ट्रॉन इसी का टूट जाएगा या अड़ोसी पड़ोसी का कहीं से टूटेगा? क्यों इसका क्यों नहीं टूटेगा? नहीं इसका इसका क्यों नहीं टूट सकता? जरूरी है अड़ोसी पड़ोसी का टूटे। क्या ज्यादा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। इनका ये कहना है कि सर क्योंकि अब इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब अब इलेक्ट्रॉन को इसी में से टूटने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? इसीलिए जो अगला इलेक्ट्रॉन टूटता है वो इसमें से नहीं टूटता, वो कहीं दूर का टूटता है। मान ले इसका टूट गया और यहां से निकल के वापस सीबी में पहुंच गया, तो बोल कितने इलेक्ट्रॉन? यहां कितने होल? तो यहां पर एक और होल बना और यहां पर क्या पहुंच गया? एक और इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमें जो यहां सीखना है वो यही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या एनी और एनएच हमेशा बराबर ही रहेंगे? होल्स कौन से बैंड में मौजूद है?
वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स कहां पे? तो जो मुझे नेट करंट मिल रहा होगा दैट विल अगेन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट. तो अगर मैं नेट करंट की बात करूं, आई नेट इट विल बी व्हाट? आई एच प्लस आई ई. तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? अरे कुछ आ भी रहा है. ये वो मेथड है जिससे हमें समझ आता है कि यार कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो टूट के ऊपर जाता है और होल्स का जनरेशन होता है. ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी समझा जाता है कि होल्स अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं. क्यों चेंज करते रहते हैं, सुनना एक बार प्लीज, इट्स अ कंसेप्ट, ध्यान दें. हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल जो है उनका रिकॉम्बिनेशन चलता रहता है. क्या चलता रहता है? रिकॉम्बिनेशन. और वो रिकॉम्बिनेशन इसलिए होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहे. क्या रहे कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्स्टेंट. रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन हमने सीबी में पहुंचा दिया ना, यही इलेक्ट्रॉन किसी होल की जगह लेने भागता है. यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी एक होल की जगह लेने को भाग जाता है. ठीक है, और यहां पर क्या कर देता है, कमी कर देता है. नहीं, होल नहीं बना देता, कमी कर देता है. ये तो नेगेटिव हो गया ना, यहां होल नहीं क्रिएट कर रहा. वो सीबी तो अनचार्ज था, सीबी में तो कुछ था ही नहीं पहले से. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाता है ना, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया. ठीक है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक क्रिस्टल के अंदर जनरेशन भी कंटिन्यूअस है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन भी क्या है, कंटिन्यूअस है. नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यू बनते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मटेरियल जो है वो कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी काम का रहेगा ही नहीं. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन होल विल रिकम्बाइन एंड मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू बी कॉन्स्टेंट. समझ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है क्या समझ? पक्की बात है, वेरी गुड. क्या सबने डायग्राम बना लिया है? अगर नहीं बनाया तो बना लो और ये दोनों चीजें लिख लो. कुछ बातें एक दो मैं और लिखवा देता हूं. ये आपको ऐसा क्या ऐसा आपकी बोर्ड की कॉपीज में भी बनाना पड़ता है, इसलिए प्लीज साफ सफाई से ही बना लेंगे तो किसी किताब को रेफर नहीं करना पड़ेगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द सेम होल. इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द सेम होल अगेन which it created in the first place, which it created in the first place. Full stop. अभी इसका मतलब बता दूंगा, एक लाइन और लिख लो उसके बाद में नेक्स्ट लाइन एक और लिख लो. At a given temperature, due to continuous generation and recombination, due to continuous generation and recombination of electron hole pair, the average concentration of electrons and holes remains constant. ठीक है, इसमें बस आपको पहली लाइन तो आपको ये लिखवाई है कि जैसे मान लो यहां पर होल क्रिएट हुआ, फिर अगला होल वापस से यहां पर क्रिएट हो गया, फिर मान लो अगला होल यहां कहीं क्रिएट हुआ होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहां से क्रिएट होकर यहां पहुंचा था, ये वापस इसी वाले होल में आके रिकम्बाइन करे, है ना. इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, थंब रूल, कि जिस होल से बना उसी होल में आके मिल जाएगा. ठीक है, यहां से जनरेट हुआ था, पॉसिबल है जब ये रिकॉम्बिनेशन करे तो इस यहां वाले से मिल रहा हूं. तो दीज आर ऑल सम पॉसिबिलिटीज जिसके बारे में हम बात करते हैं. कोई ये इट इज नॉट अ नेसेसिटी कि यहां से बना तो यही वापस लौटेगा कंबाइन करने,
ऐसा कुछ भी नहीं। क्लियर है? दूसरी लाइन के बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ काफी चीजें, जो आपको लिखवाया गया है कि इलेक्ट्रॉन होल का जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी चलता रहता है और साथ में जनरेशन भी चलता रहता है, बिकॉज दोनों प्रोसेस साथ चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो नंबर है इट रिमेन्स व्हाट, करीब करीब कॉन्स्टेंट। और इसीलिए एन इक्वल्स टू क्या होता है, एनएच, और जो नेट करेंट मिलता है इट इज द सम ऑफ होल करेंट प्लस इलेक्ट्रॉन करेंट। बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी बातें जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? अरे पूछ लो, कोई दिक्कत आई हो तो 100%। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालने, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक के बाद में आ गए आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ब्रैकेट में इम्प्योर जरूर से लिख लें जिससे याद रहे। इंट्रिंसिक के बाद आ गए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और लिख लें, लिखो। कुछ बातें जो जरूरी हैं इसीलिए लिखाऊंगा, उसे प्लीज टाइम पास ना समझें, ठीक है? लिखो पहली लाइन इसके अंदर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इन प्योर सेमीकंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर The free electrons and holes are very less in number। ये number होता है करीब 1×10^8 atoms के अंदर। मतलब जब हम 10^8 atoms लेते हैं तब हमें एक चार्ज कैरियर मिलता है, तो क्या बहुत छोटा नंबर है, इसीलिए हमारे किसी काम के नहीं होते, जो इंट्रिंसिक वाले जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। और इम्प्योरिटी मिलाने पर ये बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है? अब इम्प्योरिटी मिलाने ही वाले हैं हम लोग बहुत जल्दी, पर अभी इस बात को समझें कि 10^8 के अंदर सिर्फ एक चार्ज कैरियर, क्या ये काम का हुआ? क्या हमें बहुत सारे चार्ज कैरियर मिलने चाहिए? इसीलिए हम लोगों ने उसमें डोपिंग की है, ठीक है? तो लिख लो ब्रैकेट में 1×10^8 एटम्स, 1×10^8 एटम्स, फुल स्टॉप। दस कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। सेमीकंडक्टर को SC/ST लिख दिया करो, है ना? दस द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आ जाएं और सभी लोग लिखना चालू करें, अगली लाइन से लिखेंगे। सुंदर सुंदर, अच्छा अच्छा लिखिए, लिखो बेटा, लिखाऊं? हाँ। When specified impurities are added to a pure semiconductor, in low concentration होता है कि अराउंड 1×10^6 एटम्स के अंदर कितनी इंप्योरिटी मिलाई जाती है, 10^6 एटम्स के अंदर एक की, समझ रहे हैं? तो लिख लो ब्रैकेट में 1×10^6 एटम्स, 1×10^6, ठीक है? क्या लिख रहे थे हम लोग, इन लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना? हाँ ठीक है, आगे लिखो। द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज मैनी फोल्ड, द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज मैनी फोल्ड, द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मैनी फोल्ड्स, कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है? फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड डोपिंग एंड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ESC, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड डोपिंग एंड द SC इज कॉल्ड ESC एंड द सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड ESC, ठीक है? अब इसके दो टाइप्स, एक एन टाइप और एक
पी टाइप, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप्स हैं, टाइप्स के अंदर दो, पहला इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक के वापस से दो टाइप्स, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। तो सबसे पहले लिख लें एन टाइप सेमीकंडक्टर और लिख लो बेटा एन टाइप में, लिखें इन दीज pentavalent impurities are added, in these pentavalent impurities are added to pure semiconductors, to pure semiconductors like silicon or germanium, like silicon or जर्मेनियम। इस बार कैसी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब ऑक्टेट में कितने? पांच। एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, ये दोनों पांच वाले ही हैं, जानते हो ना। तो अब ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको वापस से ड्रॉ करें, ड्रॉ करना चालू कर दो, करना पड़ेगा बेटा, अभी एक दो बार और बनेगा, डोंट वरी। करीब करीब एक होता है 10^4 एटम में, इस बार जनरली 10^6 होता है, यहां पर 10^4 के अंदर होता है एक। सारे बन गए? हाँ बन गए। कहाँ चला गया? आओ भाई देख लो। क्या लेने की इच्छा है, फास्फोरस या आर्सेनिक? चलो फास्फोरस ले लेते। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? तीन या चार। सिलिकन कितने बनाएगा? सिलिकन तो वही चार बना के खुश रहेगा, एक खाली पड़ा रहेगा, पर सोचो एक एक्सेस में पड़ा हुआ है। फास्फोरस के कितने थे? पांच थे ना, चार से तो कौन खुश हो गया अपना? सिलिकन चार से खुश है, पर बचे हुए एक का क्या करोगे? वो खाली पड़ा हुआ है। वो कैसे पड़ा हुआ है? तो वो ऑलरेडी कहां मौजूद है? तुम्हारे कंडक्शन बैंड में भाग जाता है, समझ रहे हो? अब सोच, अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले ही मौजूद है और फिर मैं हीट भी कर दूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा या होल्स ज्यादा? वेरी गुड, बस यही बात भाई। मैंने कहा कि इसने अपने ये तो बॉन्ड बना लिए, ये तो बढ़िया बढ़िया, इसके ये एक यहां पे पकड़ा, एक यहां पकड़ा, एक यहां पकड़ा, एक यहां, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, पर एक खाली भी तो घूम रहा था, इसका क्या करोगे? इसमें पांच थे ना। अरे फास्फोरस यार कितने? चार या पांच? यार एक तो बोलते नहीं हो, चार होंगे कि पांच? पांच होंगे, तो पांच में से चार किसको मिल जाएंगे? इसको मिला, इसको मिला, इसको मिला और इसको मिला। क्या ये चारों सिलिकॉन खुश हो गए? पर अभी क्या मैंने हीट किया था? हीट भी नहीं किया। हीट कहां किया अभी तक? बिना हीट किए सारी चीजें बैलेंस है, पर क्या एक एक्स्ट्रा है? ये एक्स्ट्रा कहां भागता है? सीधे ऊपर सीबी के अंदर। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमें मिला हुआ है? yes, बिना किसी होल के। अरे ये भी तो सोच, होल सिर्फ कब क्रिएट होता है? ध्यान रखना, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। ऐसा नहीं कि सर इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो हवा में होल आ गया। अरे समझ रहे हो? yes, ये नहीं कि सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये भी जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? होल। नहीं, ये जब ऊपर गया तो इट डिडंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ वैकेंसी, इससे कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं हुई। ये तो मुफ्त में घूम रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन था, फोकट था, खाली था। नहीं समझ में आ रहा? और जब ये खाली वाला ऊपर पहुंचा तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। क्या मुझे कंडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो मस्त परमानेंट मौजूद बैठा था? अब हीट और कर दिया,
अब क्या कर दिया, और जबरदस्त हीटिंग कर दी, और अब हीटिंग करने पर क्या हुआ, थर्मल एजिटेशन पे जो बॉन्ड थे वो भी टूटना चालू हो गए, जो बॉन्ड थे वो भी टूटे। अब बॉन्ड टूटने पे होल बनेगा क्या? अरे बॉन्ड टूटने तो बनेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड टूट के ऊपर गया हमारा इलेक्ट्रॉन तो होल बना, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, होल कितने, मतलब क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स, क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? अरे बोलो यार, वेरी वेरी ग्रेटर देन इसलिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट बहुत सारे एटम्स, हम ऐसे एक दो की बात नहीं कर रहे होते, वी आर टॉकिंग अबाउट 10^50, 10^60 टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है? तो इसलिए हम बोल रहे होते हैं कि एनी जो है वो एनएच से क्या हो गया, बहुत बड़ा, समझ रहे हैं? तो क्या आईई जो होगा वो भी आईएच से बड़ा होगा? समझ ही नहीं आ रहा सर, आईई का मतलब, अरे आईई का मतलब इलेक्ट्रॉन करंट, आईएच का मतलब होल करंट, होल करंट ज्यादा, इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होगा कि नहीं, बस यही सब बात सोचनी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें दिमाग लगाने में। बना लो बच्चों डायग्राम, यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन इज मोर, प्लीज ध्यान रखें, हाँ एन टाइप के बाद कौन सा आ जाएगा, पी टाइप, एन टाइप के बाद आ जाएगा पी टाइप, और इसमें क्या हो जाएगा, कैसी इंप्योरिटी, पेंटा के बाद में कौन सी आएगी, ट्राइवेलेंट, तो लिख लो इन दीज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड to the pure SC, in these trivalent impurities are added to the pure SC, trivalent कौन कौन से होते हैं, aluminium, एल्यूमिनियम होता है ना सबसे पहला, अच्छा बोरॉन पहले आ जाता है, ठीक बोरॉन ले लो यार, ऐसी क्या बात हो गई, अपन लोग जो इम्प्योरिटी जनरली मिलाते हैं ना वो एल्यूमिनियम होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर इंडियम भी होता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला ऐसे चलता है ना, तो बैंगन तो हो गया तुम्हारा बोरॉन, आलू एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, गाजर क्या होता है गैलियम, अभी कुछ पता भी है, थैला पक्का, बहुत बढ़िया, याद है यार तुम्हें, पूरी याद है, सारे याद है, नहीं याद है, मेरे को तो ऐसे थोड़े बहुत याद है, ज्यादा नहीं, मुझे क्या पता है, मैं क्या करूंगा याद करके, तुम्हारे फायदे की चीज है ना, ठीक है। हाँ तो अपने पास यहाँ पर अब की बार कौन जगह ले लेगा, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर क्या बना लोगे, इस बार नया डायग्राम बना ले, तुम लोग मिटाना मत ऐसे, वाइटनर मत लगाना उसी में, एल्यूमिनियम बनाना अलग से, नया डायग्राम बनाओ और मुझे बताओ कि इस बार डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की या ज्यादा है, तो डेफिशिएंसी है तो क्या बन रहा होगा, एल माइनस बन रहा होगा क्या, अबे एल्यूमिनियम ले लेना, तो बताए इस बार कंडक्शन कैसे होगा, ये खाली वाला तो था ही नहीं ना इस बार, अभी खाली वाला था ही नहीं तो क्या कहानी होगी भाई, चलो सब लोग सोचो डायग्राम बना के, आपस में डिस्कस ना करें, मन से सोचो, खुद से सोचो, जल्दी बताओ इस बार कंडक्शन कैसे होगा, बॉन्ड तो पूरे ही नहीं हो रहे, अरे इस बार कैसे होगा, होल सीबी में पहुंच जाएंगे, तो फिर अच्छा होल तो ज्यादा हो जाएंगे ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन को कैसे पहुंचाओगे, एल्यूमिनियम की तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रही, कहां ऊपर से, वीबी से सीबी से,
सीबी से आएगा, सीबी में तो है ही नहीं उल्टा इलेक्ट्रॉन। हाँ वेरी गुड, सिलिकॉन से ही आ जाएगा, है ना। आप लोग सही सोच रहे हैं भाई, आपकी सोच एकदम सही डायरेक्शन में है, बहुत अच्छा लगा भाई। एल्यूमिनियम के पास में क्या थे, तीन, तो तीन तीन क्या हो गए, छह, तीन तीन छह तो हो गए। अब एक और की रिक्वायरमेंट है ना, नहीं आ रहा समझ, उस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करेगा, पड़ोसी सिलिकॉन। ये जो पड़ोसी सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन था ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट कर देता है, देयर बाय क्रिएटिंग अ होल। अब देख, इलेक्ट्रॉन तेरा सीबी में तो नहीं पहुंचा, इलेक्ट्रॉन सीबी में पहुंचा क्या, नहीं पहुंचा। बिना सीबी में पहुंचे एक होल ऑलरेडी मौजूद है। क्या अभी अपना जो इलेक्ट्रॉन था, जो हर बार अभी तक जो हो रहा था कि हम इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के कहां ले जा रहे थे, सीबी में, तभी जाके क्या एक होल बन रहा था। फिर हमने देखा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं होता, एन टाइप में क्या एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था मुफ्त, वो जबरदस्ती सीबी में पहुंच जाता था, तो हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्या चीज कम है, होल्स, याद आ रहे। अब हमने क्या देखा कि यहां तो इसकी ऑक्टेट ही नहीं है। अब ऑक्टेट नहीं है तो क्या एक डोनेट करना पड़ेगा, किसको, सिलिकन को। नेबरिंग सिलिकन ने क्या किया, एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी ऑक्टेट क्या कराई, कंप्लीट कराई। इसने बोला मेरे से ले ले, जिससे कि क्या हो, जब इसको हीट करें, जब इसको क्या करें, हीट करें, तो ऑलरेडी एक होल क्रिएटेड हो, जबकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, जीरो। तो देयर वर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, बट देयर वर होल्स इन द वैलेंस बैंड। कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है ना। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, नीचे वाला पोर्शन, ये कौन से बैंड का बना रहा हूं, वैलेंस बैंड का, याद रखना। ये सारे डायग्राम विच वी आर ड्रॉइंग आर ऑफ द वैलेंस बैंड, क्लियर है। तो इस वैलेंस बैंड में जो पड़ोसी सिलिकॉन था, उसने इसे डोनेट किया, जिसके कारण यहां पर क्या बना, होल। वही होल मेरे पास पहले से मौजूद है, विदाउट डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन बैंड। तो बोल, एक होल प्रेजेंट है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या, इस बार होल्स का नंबर ज्यादा रहता होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही हीट किया, तो बोल क्या यहां से एक बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूट के ऊपर कौन भागा, एक इलेक्ट्रॉन पर होल कितने नीचे, दो। क्या तुम्हें नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्डिंग दो होल है, मतलब इस बार क्या इक्वेशन पलट जाएगी, क्या NH विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस बार होल करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन करंट, होल करंट ज्यादा, ठीक है ना। तो डायग्राम बना ले, बना ही लिया होगा ना डायग्राम, तो थ्योरी में कुछ बातें लिख लेना बेटा, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बात लिखवा देता हूं, ज्यादा नहीं। लिखा दूं, लिखो, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रैक्टेड, लिख लो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिलिकॉन एटम्स। ओ भाई जी, क्या हो गया, हैं? हाँ, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिलिकॉन एटम्स बाय एल्यूमिनियम, बाय एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल माइनस, टू फॉर्म एल माइनस, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देख, कई बार है ना, ये एन टाइप पी टाइप जो होती है, इनको नाम नाम दिया जाता है कि एन टाइप इम्प्योरिटी का एक पर्टिकुलर नाम है, पी टाइप इम्प्योरिटी का एक पर्टिकुलर नाम है। अभी कौन सी इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं अपन, पी टाइप। पी टाइप इम्प्योरिटी को हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। क्यों बोलते हैं एक्सेप्टर, सुन ले, क्योंकि क्या पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन मांगता है, इसीलिए एक्सेप्टर बोलते हैं। तो अगर कहीं पे मान लो पी टाइप ना लिखा हो और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी लिखा हो, तो क्या तुम्हें समझ जाना है कि पी टाइप की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस लाइन को अगली लाइन में आप लोगों को लिखना है कि एज एल्यूमिनियम, एज एल्यूमिनियम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन, एज एल्यूमिनियम रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन,
देयरफोर इट इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. देयरफोर इट इज नोन एज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. कैसी इम्प्योरिटी बोलते हैं इसे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. ठीक है. अच्छा, वहां कैसी इम्प्योरिटी है? क्या ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद था एन टाइप के अंदर? क्या एक हमेशा मौजूद था? एक अगर हमेशा मौजूद था वो कैसी इम्प्योरिटी कहलाएगी? डोनर इम्प्योरिटी. तो वहां पर लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो, कहीं भी लिख लो, मतलब दिस इम्प्योरिटी इज डोनर इम्प्योरिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन. ऐसे लिख लो, दिस इम्प्योरिटी इज डोनर इम्प्योरिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन. Due to the presence of excess electron. ठीक है. अच्छा, here the concentration of holes is greater than the concentration of electrons. So ns greater than ne. ये आपने शायद लिख ही लिया होगा, लिखा है सबने? ठीक है ना, ns greater than ne आपने लिख लिया. एक और चीज जो बोली जाती है, सुनो, टर्मिनोलॉजी बदल बदल के है ना ये लोग मतलब बात करते हैं. टर्मिनोलॉजी इसलिए इस चैप्टर में थोड़ी सी ध्यान रखनी है, प्लीज यहां देख लें. एक तो हमने ये लिखा था लास्ट के अंदर, ये लिखा था ना एनी वेरी वेरी ग्रेटर देन एनएच, अभी लिख के आए हैं ना ये, है ना. अब सुन, ये किसके लिए लिखा अपन ने? एन टाइप के लिए. और ये वाला किसके लिए लिखा अभी? पी टाइप. अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है आसान सा. पी टाइप में कौन ज्यादा पॉजिटिव? पॉजिटिव कौन होते हैं? होल्स. तो ऐसे याद रख लेना, पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर होल्स, पॉजिटिव मतलब होल्स. एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव में कौन ज्यादा? इलेक्ट्रॉन. तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो. ठीक है ना. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट से मिलेंगे और होल्स कहां से मिलेंगे? ट्राइवेलेंट से. अब ये तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक. अब सुन, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है मेजॉरिटी कैरियर्स. क्या बोला जाता है? मेजॉरिटी कैरियर्स. और होल्स को क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी कैरियर्स. और क्या इसका ऑपोजिट ऊपर हो जाएगा? अरे बोलो, यहां क्या हो जाएंगे होल्स? मेजॉरिटी. अरे होल्स ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी. ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, और फिर ऑप्शन बना देगा होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, या इसका कुछ कुछ उल्टा बना के एक नया क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है. ठीक. पहले ही बता दूं, ये जो टॉपिक है मेंस के अंदर कन्फर्म सवाल आएगा ही सही, है ना. अगर आपने ऑनलाइन भरा है तो बिल्कुल तैयार रहे, तीन सवाल तक आ सकते हैं. ऑनलाइन वाले पेपर में इस टॉपिक के ज्यादा सवाल देखे गए हैं, मतलब अब फॉर्म्स आने वाले हैं, आपको पता होगा ना, भर भी दिया तुमने? हाँ, 1 दिसंबर से आ रहे हैं, सबको बताया, बहुत अच्छा. मुझे लगा भर भी दिया किसी ने, कोई बोले सर मैंने तो भर ही दिया है ना. 1 दिसंबर को आएगा तो 2 ऑप्शन होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन. क्या भरने वाले हो तुम? ऑफलाइन ही भरोगे सब? अच्छा ठीक. नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम आज तक बचपन से करते आए हो वो तुम गोला ही भरते आए हो ना, तो गोला ही भरो, तुम तो बैठ गए ना. ऑल दो ऑनलाइन ज्यादा अच्छा होता है. ठीक है, है ना. चलो मिलते हैं. ओके, बाय बाय. पीएन पीएन पढ़ लिए क्या? अरे यार पढ़ लिए ना तुम लोगों ने. चलो तो हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग डालो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियर. हाँ? ये फर्जी है, छोड़ दे इसको, मस्त छोड़ दे इतना, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी फालतू. ये जो नीले डब्बे में दिया हुआ है ये किसी काम के नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं आता कभी भी. ठीक है, सो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट. नीले डब्बे ना पड़े एनसीईआरटी में,
वो काम के नहीं है। नीले नीले डब्बों में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उनको ना पढ़े, उनको पढ़ के कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं। चलो करियर कॉन्सेंट्रेशन की बात की। अच्छा एक चीज बता, अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, यार एक मिनट अब प्लीज शांत रहना, चुपचाप से पढ़ते रहना, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं तो कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। और यही अगर मैं तुम लोगों को बोलता कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो कौन ज्यादा? होल्स ज्यादा। तो अगर आप लोगों से बात की जाए तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन, यहां पर कौन? तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, क्या अचीव हो जाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, एट दैट मोमेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ होल्स इज गिवन बाय एन आई स्क्वायर। ये एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा? मास एक्शन लॉ। फर्जी लॉ है, फालतू का। बस बोला क्या है कि एनी टाइम्स एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, वेयर एन आई रिप्रेजेंट्स द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। एन आई रिप्रेजेंट्स व्हाट? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई, ठीक है। एनी किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। एन एच किसका नंबर होगा? होल्स का। और इस वाले लॉ का नाम क्या हो गया? मास एक्शन लॉ। अगर मैं तुम्हें एनी दे दूं, एन आई दे दूं, तो एन एच निकाल लोगे? ऐसा ही सवाल आता, समझ गए? इसलिए प्लीज डोंट वरी, महाफर्जी सवाल बनेगा। एनएच दे देंगे, एनई दे देंगे, एनआई पूछ लेंगे, पर उसके लिए क्या तुम्हें टर्मिनोलॉजी आनी जरूरी है? अगर ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक चीज बता, एन टाइप जो अपना, अभी लिख मत, रुक जा, एक बार देखता रहे। एन टाइप जो हमारे सेमीकंडक्टर थे, ये एक्सेप्टर थे कि डोनर इम्प्योरिटी वाले थे? देख लो, एन टाइप यानी पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? पेंटावेलेंट यानी डोनर एक्सेप्टर। डोनर इम्प्योरिटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? डोनर इम्प्योरिटी का जो नंबर है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ऐसे लिख देते हैं, डोनर ई ज्यादा के एच, तो हमें एन एच निकालने को बोलते हैं, इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन डी। कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इसको? एनडी। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन ही डोनेटेड है, इसीलिए इस फॉर्मूले को एक नया रूप दे दिया गया, पर्टिकुलरली फॉर डोनर इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी के लिए? डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि डोनर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ मिले डोनर इम्प्योरिटी, क्या तुम समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन की बात की गई? ये अपने आप सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डोनर की बात कर रहे हैं तो डोनर कौन है, एन टाइप या पी टाइप? एन टाइप। एन टाइप है ना, अभी भी पी बोल दिया लोगों ने। एन टाइप इम्प्योरिटी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तभी तो ये डोनेट कर पाता है। तो इसलिए इसका नाम चेंज करके यहां पर ई की जगह पर क्या लिख दिया? डी। दैट्स इट। तो ये पर्टिकुलरली एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए क्या हो गया? मास एक्शन लॉ। कौन से सेमी कंडक्टर के लिए? एन टाइप सेमी कंडक्टर का मास एक्शन लॉ। क्लियर है? अब शायद तुझे पता लग जाएगा पी टाइप का कैसे लिखेंगे, अपने आप ही पता लग गया होगा। क्या पी टाइप में एनी निकालूंगा क्या एनएच? एनी निकालूंगा। तो अगर एनी निकालना होगा, एनी की वैल्यू क्या होगी बोल? एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। क्या वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी थी? एक्सेप्ट क्या? उसी के हिसाब से नीचे को क्या आ जाएगा इस बार? एन ए। समझ गए? तो इम्प्योरिटी डिपेंड, बस फर्जी फर्जी बातें हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये तो अपने आप ही याद, समझ गए? नोट कर लो और आगे बढ़ जाओ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इन सेमीकंडक्टर्स, आज तो हमें खाना खाने जाना है, पड़ा उसमें ही जाना है, कोई चलना चाहे मेरा बच्चा अच्छा बनके तो चल सकता है। देख लो, तू तो लगता ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात कर रहा हूं। अरे तुम्हें ये फॉर्मूला याद है क्या? इलेक्ट्रिसिटी I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, याद आ रहा है? अगर ये फॉर्मूला याद है तो एक और क्वांटिटी तुमने, अब बातें नहीं सुनते रहना चुपचाप, बहुत बढ़िया चीज है। I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी में मान ले, इसे को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा?
जे क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, यानी करंट डेंसिटी बन जाएगी। तो मैं इस ए को नीचे ले गया और इसको सीधे जे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। जे की वैल्यू क्या होती है बोलो, क्या आ जाएगा ये, एन ई वी डी, बोलो होता है कि नहीं। अच्छा, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट स्पीड, याद है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, जैसे नाम बोलना चाहो, तो वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब होता क्या है, ये जो वी डी होती है, दिस वी डी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके प्रपोर्शनल होती है ये, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रपोर्शनल होती है। और अगर मैं ये प्रपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी लगाता हूं, तो एक इक्वेशन नई बनती है जो होती है वी डी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ई, वेयर म्यू इज नॉट द, एक मार्क पढ़ा था ऑप्टिक्स में याद करो, कौन सा वाला पढ़ा था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये एक नया कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है मोबिलिटी। क्या नाम है बच्चों, पहली बार ही सुना है ना, सुन लिया था केमिस्ट्री में सुना होगा, वेरी गुड। तो अगर केमिस्ट्री याद है तो इसका नया नाम तुम्हारे लिए, मुझे ऐसा लगा पहली बार सुना होगा। तो म्यू की वैल्यू क्या, म्यू इज नोन एज मोबिलिटी एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट। अगर कोई मोबिलिटी डिफाइन करने को बोले तो क्या होगी बताओ, पूछ लिया जाता है इसलिए बोलो, व्हाट इज मोबिलिटी, ये मत बोलना वीडी अपॉन ई, थोड़ा लैंग्वेज में बना के बोल देना इसी बात को। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ऐसे बोल सकते हो ना। तो ये हमने किसको डिफाइन कर दिया, मोबिलिटी को। अच्छा, अब वीडी की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, ये अपने आस आ गया, जे इक्वल्स टू ई म्यू ई, बोलो आएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि एक सेमीकंडक्टर में दो तरह से कंडक्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा, याद है ना। तो अगर मैं टोटल करंट डेंसिटी लिखने की बात करूं तो जे की वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, जे ई प्लस जे एच, यार तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है, तो जे की वैल्यू क्या आ गई, जे ई प्लस जे एच। अच्छा, जे ई जब लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा सब कुछ, और जे एच लिखूंगा तो किसके लिए आ जाएगा, होल्स के लिए, तो जे ई लिख रहा हूं। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई म्यू किसका, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ई ये तो सेम ही है, अरे ये तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्लस क्या हो जाएगा, अब होल्स के लिए क्या आ जाएगा, एनएच ई, क्या बच्चों, म्यू एच मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई। एनी प्रॉब्लम, क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ, इसमें क्या हो गया, इस वैल्यू को यहां लिखा है बच्चों दोनों के लिए, होल्स पे चार्ज क्या होता है, ई होता है ना, हाँ ठीक। अब सुनो, अगर आप इस वाली क्वांटिटी को देखोगे तो ये लिखा हुआ है बेटा सिग्मा, यानी कंडक्टिविटी, कुछ याद है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जब आपने आर के बारे में पढ़ा था, आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, है ना, उन सब के टाइम पे की टर्मिनोलॉजी भी बताई गई होगी, है ना, वहीं से हम लोग यहां से सिग्मा लिख रहे हैं। तो ये अगर मैं सिग्मा बोल रहा हूं तो ये सिग्मा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और ये वाला सिग्मा किसका लिखा हुआ है, इतना होल्स का, ये पूरा सिग्मा यहां तक, ई नहीं है, और ये किसका बच्चों, होल्स का। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी बोल, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, सॉरी, प्लस सिग्मा एच टाइम्स ई, बोलो होता है कि नहीं, ये होती है करंट डेंसिटी किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला, विद डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर मेंस में, इसीलिए आपको बता रहा हूं, है ना। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता तो हम ये सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। और ये जो सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच लिखा हुआ है, इसको नाम दे देते हैं कुछ लोग सिग्मा टी, यानी टोटल कंडक्शन, टोटल कंडक्टिविटी। तो जे की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा टी टाइम्स ई, वेयर टी इज द टोटल कंडक्टिविटी। प्लीज नोट, बहुत ध्यान से नोट करें, काम की चीज है। अभी क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर तो और समझ में आ जाएंगे सर, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लिया ना, लिखो क्वेश्चन जल्दी से, लिखिए।
अरे लिखाऊं, लिखें, इफ द रेशियो ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स, टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, इफ द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज 7/5, इज 7/5, मतलब 7:5 है, अपने आप समझ गए होंगे आप लोग, इज 7:5 एंड द रेशियो ऑफ करेंट्स, एंड द रेशियो ऑफ करेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज, एंड द रेशियो ऑफ करेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज 7:4, रेशियो ऑफ करेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज इज 7:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, करके दिखाओ। बेईमान है क्या? 4 या 4:5? 5:4 आ रहा है भाई लोगों का। और कोई? हाँ पीछे बेटा, 5:4 कितने लोगों का आ गया? सच्ची सच्ची बोलो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ गया। तो ये फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा ही है ना, कौन सा वाला? I इक्वल्स टू NA VD। तो एक बार VD किसकी लिख लो? इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक बार किसकी लिख लो? होल्स के लिए। तो एक बार IE लिख लो और एक बार क्या लिख लो? IH। तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा तो इसे NE कर दिया, और इसको VD किसके लिए कर दिया? इलेक्ट्रॉन के लिए, यही तो करना था। होल्स के लिए क्या कर दिया? NH, E, A, और VD किसकी कर दी बच्चों? होल्स की। क्या इनका रेशो लेना है? डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? IE अपॉन IH इज इक्वल टू NE अपॉन NH इंटू VD E अपॉन VD ऑफ H। क्या यही रेशो निकालना था? ये सब अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। करंट का रेशो गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन का रेशो भी गिवन है, चेक करो। ऐसे ही किया है, आंसर क्या आया? 5:4 अगर आ रहा है तो वही होगा। तो VD अपॉन 5/4 आ गया। अरे सबका आया है ना, JEE 2006 या 5 का सवाल है ये, ठीक है? 2005 या 4 में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है यार साल से अपने को क्या करना, पर इट वॉज आज जब इसका नाम था AI EEE, ठीक है? काफी पुराना सवाल, पर हाँ ऐसे सवाल आ सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है ना? अगला एक और करते हैं, लिखो, राइट डाउन द क्वेश्चन, सारे बच्चे लिखें, लिखो। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर increases when electromagnetic radiations of wavelength shorter than, when electromagnetic radiations of wavelength shorter than 2480 nanometer, of wavelength shorter than 2480 nm is incident on it. Wavelength shorter than 2480 nm is incident on it. Full stop. Find the band gap. Find the
बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर द सेमीकंडक्टर. फाइंड द बैंड गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर द सेमीकंडक्टर. करो, मुझे क्या पता, निकाल लो जो भी आ रहा है. होती है तुमने अप्लाई इक्वल्स टू 1240 बाय लैम्डा, क्या डायरेक्ट ये कर दिया या 1240 बाय लैम्डा? वेरी गुड. क्या बच्चों ये अप्लाई होगा? वेरी गुड. क्या मेरे को वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में है एंगस्ट्रॉम में है? अगर 1240 लिखता तो क्या एंगस्ट्रॉम में लिखता? बहुत बढ़िया. क्या आप लोगों ने वैल्यू डाल दी डायरेक्ट 1240 डिवाइडेड बाय 2480? क्या आपका आंसर 0.5 आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डायरेक्ट आंसर. ठीक है वो सेमीकंडक्टर का ही क्वेश्चन, इसको अपन लोग मॉडर्न का नहीं बोलेंगे. ठीक है, क्योंकि किसके बारे में बात की गई है? बैंड गैप के बारे में. एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस नहीं पूछा, डिफरेंस किस में पूछा गया है? बैंड गैप के बारे में. क्या मेरी बात समझ में आई है? वेरी गुड. अगला सवाल लिखो, लिखना और समझ के करना है इसको. थोड़ा थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल है. अगेन ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जेई का ही सवाल था. ठीक, अगला एक और लिखिए. अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन. 277 नहीं है, 277 केल्विन है. ठीक है, फुल स्टॉप. द रेजिस्टेंस ऑफ, अब एबीसीडी ऑप्शन लिखेंगे. द रेजिस्टेंस ऑफ, अब एबीसीडी ऑप्शन, ए ऑप्शन लिखो. Each of them increases. अगला, each of them decreases. अगला, copper decreases, germanium increases. और चौथा, germanium increases, copper decreases. C या D? देख लो भाई, थोड़ा सा फंडा है इसके अंदर. वही मतलब करंट से आपको याद करेगा. कंडक्टर्स में क्या होता था और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता था याद कर लो और बता दो. अल्फा की डिपेंडेंसी याद होगी ना? पक्का? श्योरिटी के साथ? अच्छा, क्या तुम्हें पहले से पता था जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है? बचपन से ही पता था? कुछ भी क्या? ठीक है, जो भी है. आपने आंसर शायद सी निकाल लिया होगा. सी आंसर क्यों निकाला? अच्छा, अपन टेम्परेचर कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? कम कर रहे हैं. टेम्परेचर के साथ में अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने पे मैं अगर आपसे पूछूं तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का बढ़ता है कि घटता है? ई बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? सेमीकंडक्टर का? तो अगर टेम्परेचर डाउन करूंगा तो सेमीकंडक्टर का? सेमीकंडक्टर का क्या होगा? इंक्रीज होगा. और कंडक्टर का क्या होगा? यही तो आंसर है. तुमने सी ऑप्शन नहीं बोला, कुछ और बोला? सी बोला ना, सी आंसर है. अरे नहीं समझ में आया तो अगर ये आपको अल्फा अल्फा वाली रिलेशन नहीं याद है तो दिक्कत आएगी. ठीक है, ऑल्दो आप लोगों को सारी चीज याद है, ये बात जान के बहुत खुशी हुई. ठीक है ना, गुड. आप लोग ये सवाल भी कर पाए तो मतलब जेई मेंस के अब इस टॉपिक के आपका सवाल कोई भी नहीं अटकना चाहिए. ये वो सारे साल के सवाल हो गए जो पूछे गए हैं खत्म आज तक इस टॉपिक से. असली अभी आना बाकी है ना. एक टॉपिक अपना खत्म हो गया, सेमीकंडक्टर की जो शुरुआत. अब अपन इसमें नई चीज के अंदर घुसने वाले हैं जिसका नाम है जंक्शन डायोड्स. तो नए पेज से बढ़िया कर लें जंक्शन डायोड्स.
एंग डाल लो सब लोग। क्या हो गया? सब लोग एंग डाल लो, जंक्शन डायोड्स। ठीक है, आया सुन, जंक्शन डायोड्स के अंदर क्या होता है ध्यान देना। जंक्शन डायोड्स के अंदर क्या हुआ कि हम लोगों ने बात की इस बार पी और एन को मिलाने की। किस बारे में बात की? पी और एन मिलाने की। अब देखिए, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, लोग क्या बोलते हैं, इधर से पी उठा के लाओ, इधर से एन उठा के लाओ, दोनों को मिला लो, क्या बन गया? जंक्शन डायोड। जबकि ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, एक ही सेमी कंडक्टर लेते हैं, एक तरफ डोपिंग कौन सी करते हैं, पेंटावेलेंट, दूसरी तरफ और क्या बना देते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। क्या बना देते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। तो लिख लो, अ जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, अ जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग, अ जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड बाय डोपिंग, बाय डोपिंग अ सेमीकंडक्टर, बाय डोपिंग अ सेमीकंडक्टर बाय सॉरी फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ इंप्योरिटीज, फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ इंप्योरिटीज। क्या हो गया? फ्रॉम बोथ टाइप ऑफ इंप्योरिटीज, दैट इज पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट, दैट इज पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। एक होती है पेंटावेलेंट, दूसरी होती है ट्राइवेलेंट, ये हम लोग जानते हैं। पेंटावेलेंट क्या बनाएगा? एन टाइप, और ट्राइवेलेंट क्या बनाएगा? पी टाइप। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, एक ही सेमीकंडक्टर लिया है और एक तरफ से कैसी डोपिंग कर दी उसमें, एन टाइप की, और दूसरी तरफ से पी टाइप की। तो इस तरह से हम लोग उसको दो पार्ट्स के अंदर देख लेते हैं। मान ले यहां से एन टाइप की, तो ये कौन सी साइड कहलाएगी? एन टाइप, और ये कौन सी कहलाएगी? पी टाइप। यहां डोपिंग किसकी थी? होल्स ज्यादा के इलेक्ट्रॉन ज्यादा? ट्राइवेलेंट था ना, मतलब इस वाले पार्ट में क्या नजर आना चाहिए? पॉजिटिव ज्यादा, और दूसरे पार्ट में नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि यहां कैसी इंप्योरिटी थी? पेंटावेलेंट। अरे यार तुम्हें कुछ आ भी रहा है? अच्छा, इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड की गई और एक नया सेमीकंडक्टर हमारे सामने आया, इसी कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया गया बेटा? डायोड। दिस इज नोन एज अ जंक्शन डायोड। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पी उठाओ एन उठाओ मिला दो, नेवर। उससे कोई डायोड बनता ही नहीं है, और बनेगा भी तो बेकार, फर्जी बनेगा। असली डायोड का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि ये एक ही सेमीकंडक्टर में इधर से डोपिंग और उधर से डोपिंग। तो यहां पर कैसी डोपिंग थी? ट्राई, और यहां पर पेंटा। ये अपने को पता होना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, सुनते रहना, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट अब इसके अंदर अप्लाई होने वाले हैं, प्लीज ध्यान में। अभी बनाने की जरूरत नहीं है, इधर देखो। देखो इसमें क्या हुआ, इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है? नेगेटिव। तो क्या थोड़ा सा इसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके कारण जो होल्स होते हैं हमारे, कौन सी वाली साइड में होल्स? पी टाइप में, और इधर कौन सी चीजें हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स फ्रॉम द पी टाइप दे ट्राई टू एंटर द एन टाइप, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप दे ट्राई टू एंटर द पी टाइप, ठीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि मैं इधर चला जाऊं थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा इधर चला जाऊं। बेसिकली हर कोई टहलना चाहता है, तो ये इधर टहलने निकलते हैं और ये इधर टहलने निकलते हैं। अब बता, अगर ये टहलेंगे तो क्या कहीं कहीं इनके बीच में मिलन भी होगा? होगा ना। क्या हो गया बेटा? अगर ये घूमेंगे तो मिलन होगा कि नहीं होगा? वो जो मिलन होगा, क्या उसके कारण ये न्यूट्रल भी हो जाएंगे? अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे, क्या होगा? न्यूट्रल होगा। उसको हमने क्या नाम दिया था, याद करो, रिकॉम्बिनेशन। याद आ रहा है नाम? नाम क्या था? रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि जब यहां से कुछ होल्स एन साइड में और एन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में जाते हैं, तो इनका कुछ कुछ रिकॉम्बिनेशन होता है। और अगर मान ले रिकॉम्बिनेशन होगा, तो क्या एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा विच इज डिवॉइड ऑफ चार्जेस?
डिवॉइड मतलब जहां चार्जेस नहीं होंगे, न्यूट्रल रीजन। इमेजिन ही नहीं कर पा रहेगा, मैं इधर से उधर जा रहा हूं, एक आदमी इधर से इधर आ रहा है, बार बार दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, तो एक ऐसा रास्ता बन जाएगा ना जहां पे हमेशा टक्कर ही होगी, वहां से निकलने की जो पॉसिबिलिटी होगी क्या वो बहुत कम होती जाएगी। वही कहानी यहां पर थी, जब पॉजिटिव ने जाना चाहा नेगेटिव साइड में, नेगेटिव में आना चाहा पॉजिटिव साइड में, तो जहां उन जिस एरिया में उन दोनों का मिलन हुआ, बार बार मिल रहे थे, और मिलने के कारण क्या हो गया, चार्जलेस जगह डेवलप हो गई। ठीक है, एक ऐसी जगह डेवलप हो गई जिसके अंदर चार्जेस क्या थे, जीरो, डिवॉइड ऑफ चार्जेस का मतलब यही था मेरा, शायद आप अंग्रेजी सुन के उड़ चुके हैं ऐसा लगा मुझे। मान ले ऐसे, अबे बातें मत कर, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ माय बैक। क्या हो गया, कोई अकलंक के स्कूल से है क्या अपनी क्लास में? अकलंक नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था, वहां के वहां एक टीचर थे, वो ऐसे ही बोला करते, खतरनाक थे वो, यस्टरडे वी विल डिस्कस। खतरनाक इंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते थे वो, इंस्ट्रक्शन सन, इंग्लिश के नहीं थे, फिजिक्स के थे, खतरनाक से। उनके यहां ट्यूशन ना जाओ तो क्लास में फेल, स्कूल में ऐसा किया करते, पहले वो किसी और स्कूल में थे, आजकल वहां पर है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव मिले, पॉजिटिव नेगेटिव मिले, पॉजिटिव नेगेटिव मिले, पॉजिटिव नेगेटिव मिले, और मिलके क्या हो गया इनका, रिकॉम्बिनेशन। तो ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, इसको पता है क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डिप्लीशन रीजन। क्या नाम दिया गया बच्चों, डिप्लीशन रीजन। क्यों, डिप्लीशन का मतलब यही होता है कि यहां पर जो है ना चीजें खत्म हो गई। किसी भी चीज की अगर मान लें मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे से कोई 50 रुपए ले जाए, तो मैं बोलूंगा 50 रुपए डिप्लीट हो गए या कम हो गए, है ना। तो ये वो एरिया था जहां पर हमें न्यूट्रल चीजें मिल रही थी। यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा था कि यहां पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, ये बीच में एक ऐसी जगह बन गई जहां पर क्या था, चार्ज न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव मिला और ना ही क्या मिला, नेगेटिव मिला। कुछ कुछ बातें समझ पा रहे हो। अब क्या हुआ, तो भी कुछ तो ऐसे थे ही जो टहल टहल के टकराए नहीं और यहां पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन कुछ इधर पहुंच गए और कुछ अपने होल्स कहां पहुंच गए, इधर पहुंच गए। वो जो कुछ कुछ पहुंचे ना, मान ले यहां नेगेटिव ऐसे इकट्ठे हुए, नजर आ रहे हैं ये सारे कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव, और इधर कौन इकट्ठे हो गए बेटा, पॉजिटिव। जस्ट आपकी जो डिप्लीशन लेयर है उसके बाद में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इतनी थिक बनाई है, ये असली में करीब करीब 1 माइक्रोमीटर की होती है। कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर, यानी 10^-6 मीटर, तुम्हें पता है वो। ठीक है, तो इधर सारे कौन इकट्ठे हुए थे, पॉजिटिव, और दूसरी तरफ कौन इकट्ठे हुए थे, सारे नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे हुए ना, इन्होंने फिर अपनी नेतागिरी चालू की। भाई अभी एक चीज बता, मैंने कोई पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है क्या, नहीं कर रखा, पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव यहां पर बचे हुए थे, इनके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जो अपने आप था, विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड इन साइड द डायोड। तो बता, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस पर बैटरी बनाऊंगा तो क्या उसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर होगा, बोलो ना यार। भाई दिस बैटरी इज नॉट अ रियल बैटरी, दिस इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स। ये कैसा सोर्स है, एक फिक्टिशियस सोर्स है, फिक्टिशियस मतलब नकली, ठीक है। एक नकली बैटरी सी डेवलप हो गई जिसने क्या किया, नेगेटिव को इधर आने से रोका और पॉजिटिव को दूसरी तरफ जाने से रोका। इमेजिन करके देखो, जल्दी से इमेजिन करो, क्या ये किसको पुल करेगी, किसको अट्रैक्ट करेगी, सोच के देखो। ये बैटरी कैसी है बच्चों, फिक्टिशियस बैटरी, फिक्टिशियस। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, सुना है ना, काल्पनिक इज द राइट वर्ड, फिक्टिशियस। ऑल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस एंड बेयर नो रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन लिविंग और डेड। सुना होगा, ये वही वाली लाइन है ना। हाँ, क्या हो गया, बस बस आगे का याद थोड़ी करना है, बस ठीक है। तो फिक्टिशियस बैटरी है,
आया सुन ले, क्या इसने एक पोटेंशियल डेवलप कर दिया? सुनता रहे कहानी है, सुन ले, काम की कहानी है बेटा, प्लीज लिखो मत, एक बार सुन लो, एक साथ उतार लेना, उसमें क्या हो गया? ये जो बैटरी थी, इस बैटरी के आने से क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, क्या वो इनके मूवमेंट को रोक रहा है या जाने दे रहा है? रोक रहा है, यानी मूवमेंट को हैम्पर करने के लिए आया? नहीं समझ में आया। अगर इसने फर्दर मूवमेंट को रोका तो ये कैसी बैटरी है? अच्छी बैटरी या खराब बैटरी? खराब बैटरी है ना। हम तो चाहते हैं कि किसी भी चीज से कंडक्शन अच्छा हो, पर यहां तो अपना जो मटेरियल अपन ने बनाया, उस मटेरियल के अंदर पहले से एक ऐसी बैटरी आ गई जो कि क्या कर रही थी, चीजों को रोक रही थी, ठीक है। और इस बैटरी के पोटेंशियल को नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया? बैरियर पोटेंशियल, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट? वॉल बिटवीन द टू। अरे कर रही है कि नहीं, तो एक बैरियर आ गया, और इसीलिए इसका पोटेंशियल जो डेवलप हुआ उसे क्या नाम दिया गया? बैरियर पोटेंशियल। यार तुम्हें कुछ भी आ रहा है क्या? तो शक्लें ऐसी क्यों बना रखी हैं? कब से आए हुए? 2 बजे से। सच्ची बताओ तो कुछ मंगा दें तुम्हारे लिए, अच्छी अच्छी शक्ल तो बना के बैठ जाया करो यार, उसमें क्या हो गया? कौन सा पोटेंशियल है? बैरियर पोटेंशियल। तो इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसको नया नया सा नाम दिया बैरियर पोटेंशियल। अरे कुछ समझ भी आ रहा है? पक्की बात है, दोनों बना ले जल्दी से। कहानी लिखवानी है क्या? ये लिखवाऊं के होल्स फ्रॉम द पी साइड गोज टू एन? यस सर, प्लीज राइट डाउन। ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, इसके नीचे लिखना चालू करो थ्योरी जल्दी से। वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड, वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंटर्स, वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड अ होल फ्रॉम द पी साइड, वेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड एंड अ होल फ्रॉम द पी साइड enters p and n sides respectively, enters p and n sides respectively due to concentration gradient, enters p and n side respectively due to concentration gradient, comma recombination occurs and they cancel each other's effect, and they cancel each other's effect, and they cancel each other's effect to form a region which is chargeful या charge less, तो उसको अच्छी भाषा में लिखे, which is devoid of charges, devoid, devoid, which is devoid of charges, which is devoid of charges, ठीक है। ये एक ऐसा region है जो charges से क्या है? devoid of charges, and this region is known as the depletion region, लिखे। This region is known as the depletion region. अगर आपसे definition पूछी जाती है तो ऐसी की ऐसी चेप देना। This region is known as the depletion region. ठीक, next line में आ जाएं और लिखें ऐसे, चलो लिखना चालू करना। Due to the presence of electrons on p side, बढ़िया रिंगटोन लगा रखी। Due to the presence of electron on p side and holes on the n side, and holes on the n side, an electric field is developed. An electric field is developed from
तुम बताओगे कौन सी साइड से कौन सी साइड, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, लिख लो फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो जनरेटेड, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो जनरेटेड, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ साथ जनरेट हो जाता है, ठीक है क्या, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो जनरेटेड, क्या यही बोलना था, ठीक है समझ में आ गया जो जो बोला अभी, नेक्स्ट लाइन में आ जाए लिखें, हाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स, अब तरीके से लिखो लिख ही रहे हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट एंड ऑन होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ये है ना डायरेक्शन ई की, कंफर्म ई इज फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ध्यान रखें, होल्स टुवर्ड्स लेफ्ट, फुल स्टॉप, does it not allow electrons and holes to recombine, does it not allow electrons and holes to recombine, full stop, क्या हुआ, कुछ छूटा के सीधा, स्पीड सही है या तेज है, बहुत धीरे है, तेज कर दूं, लिखो मुझे क्या दिक्कत है, एज द पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट्रिक्ट फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, क्या हो गया, अब तेज हो गई, एज द पोटेंशियल डिफरेंस रेस्ट्रिक्ट फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, It is also called as कौन सा पोटेंशियल, अबे कौन सा मत लिख देना, कौन सा पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, कहीं तो कंटिन्यूएशन में कौन सा पोटेंशियल, फुल स्टॉप, FULLSTOP, क्यों ऐसे तो नहीं करते ना, अच्छा स्पेलिंग बताऊं, लिखा सबने, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सब लोग, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, जी हाँ बोलिए, कैपेसिटर की बात ही नहीं कर रहे अभी, कैपेसिटर बिल्कुल अलग है, इससे कोई रिलेशन नहीं, वो तो जनरेट होगी दो प्लेट्स के बीच में, उसमें कब तो आती है, तो एक कैपेसिटर थोड़ी है, एनर्जी स्टोर कर रहे, क्या तो करेगा ना, तो पाथ भी तो होनी चाहिए, किस में जाएगा, हवा में थोड़ी कूदेगा इलेक्ट्रॉन, यू शुड ऑलवेज हैव अ पाथ, कुछ वायर वायर लगे होने चाहिए, कुछ लोड होगा आगे, तब अपने को कुछ मिलेगा, है ना, ऐसे में हवा में एक तार बना दूं और बोलूं कि बताओ इससे बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा ना, बस वही वाली बात, अच्छा सांप नजर आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, अब वही यार एक ही बात, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, नई हेडिंग आ गई अपनी, बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन, ठीक है, बायसिंग नाम है बेटा बायसिंग, और बायसिंग कुछ भी नहीं होता, नाम बहुत थोड़ा सा अजीब है, पर बायसिंग का मतलब होता है कि एक तरफ है फॉरवर्ड बायस, दूसरी तरफ है रिवर्स बायस, दो तरह के बायसिंग होती है, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ बैटरी को जोड़ने के तरीके को बदल रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में अलग तरह से बैटरी जोड़ेंगे, रिवर्स बायस में अलग तरह से बैटरी जोड़ेंगे, जंक्शन कितने होते हैं पहले तो ये बता दो, दो, अबे दो है ना, एक पी और दूसरा एन, तो जब हम लोग पी से पॉजिटिव ऑफ द बैटरी जोड़ते हैं तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायस, क्या कहलाता है फॉरवर्ड बायस, और जब हम पी से नेगेटिव ऑफ द बैटरी जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है रिवर्स बायस, ठीक है,
अब उसके अंदर कैसे कैसे केस बनते हैं उस पर अपने को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले बायसिंग की डेफिनेशन लिखना है जो आपसे पूछी जाती है, लिख लो। द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड, is known as biasing. The source is a DC source. Source हमेशा कैसा लेंगे हम लोग? DC source. AC source की बात यहां पे नहीं करनी है। The source is a DC source. वही बैटरी लगाएंगे जो आज तक हम लोग काम में लेते आ रहे हैं। अरे यहां ध्यान दो भाई, ये P और ये N, P में कौन ज्यादा थे? पॉजिटिव, N में कौन ज्यादा थे? नेगेटिव। अच्छा बीच में क्या थी? डिप्लीशन लेयर। क्या हो गया? बीच में कौन सी लेयर थी बच्चों? डिप्लीशन लेयर। अच्छा सुन, बैटरी डिप्लीशन लेयर के ही चारों तरफ थी ना इस तरह से, ठीक है? इस बैटरी को भी बना रहा हूं, ध्यान देंगे सब लोग। ये हमारी बैटरी कुछ इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव सब बन गया। ये बैटरी असली या नकली? नकली। ये साइड कौन सी? पी। ये साइड कौन सी? एन। अब ये जो बायसिंग थी दो तरह की, अभी अभी बताया मैंने, एक बार हमने बोला फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी बार क्या बोला? रिवर्स बायसिंग। हमारी पहली हेडिंग जो है इट इज फॉरवर्ड बायसिंग। हेडिंग डाल दो सब लोग, फॉरवर्ड बायसिंग। उसी के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं, फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में चर्चा की जाएगी, ध्यान दें सभी लोग। पहली बात, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है व्हेन पी साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर इज जॉइंड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज जॉइंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन द डायोड विल बी कॉल्ड अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। कैसा डायोड कहलाएगा ये? फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। यह आपका फॉरवर्ड बायस्ड डायोड है, ठीक है? क्या पॉजिटिव दिख गया तुम्हें? किससे जुड़ा हुआ है? पी साइड से। तो पी और पी साथ तो फॉरवर्ड बायस, एन और एन साथ तो फॉरवर्ड बायस। अबे फॉरवर्ड ही तो है एन और एन, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव इज अटैच टू द पी साइड, यानी कौन सा बायस? फॉरवर्ड। नेगेटिव अटैच टू द एन साइड, फॉरवर्ड। समझ गए? पी पी साथ, एन एन साथ, मतलब कि फॉरवर्ड। क्लियर है? अब एक चीज तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है, सब लोग पहले डायग्राम की तरफ देख लो और जवाब देना, डायग्राम देखकर जवाब दे प्लीज सब लोग। अरे लिखना छोड़ दो यार, एक मिनट, क्या हो गया? ये वाली बैटरी, ये वाली बैटरी सपोर्टिंग है अपोजिंग है? देख लो जल्दी, अपोजिंग, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग। दोबारा देखना, ये फ्लो को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है? सपोर्ट कर रही है। और ये क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी यार। अबे क्या भूल भी गए? ये बैटरी फ्लो को सपोर्ट करती है, अपोज करती है? कैसे सपोर्ट करती है? बोल रहे हो ना सपोर्ट, तो बताओ कैसे कर रही है? हैं? बैटरी को, इसको थोड़ी सपोर्ट करेगी, बैटरी को सपोर्ट करवा दिया। बैटरी को सपोर्ट मतलब और रोक दिया इसने तो। अरे इधर देखो सब लोग, ये पॉजिटिव है और ये भी कैसा है? धक्का पड़ेगा या पास खींचेगा? धक्का पड़ेगा ना, तो धक्का पड़ेगा तो इधर नहीं भागेगा। अबे जानते हो कुछ? ये पॉजिटिव ने इसको यहां से धक्का मारा तो यहां भागेगा नहीं क्या? तो डिप्लीशन लेयर मोटी होगी कि पतली? डिप्लीशन लेयर पतली नहीं हो जाएगी? अबे तुम पॉजिटिव को ज्यादा जोर से इधर धक्का मार पा रहे हो यार, पहले तो तुम्हें रोक दिया गया था ना, ना तो पी इधर जा पा रहा था और ना ही एन इधर से आ पा रहा था।
अब जब मैंने ये एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया तो देख जरा क्या ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है, तो ये से धक्का नहीं मारेगा क्या? धक्का मारेगा तो इधर ही तो भेजेगा, इधर भेजेगा तो ज्यादा भेजेगा, पहले से भी कम कर देगा, ज्यादा भेजेगा, मतलब कि देर इज अ पॉसिबिलिटी के यहां पर हमें क्या मिल जाए, फ्लो ऑफ करंट, क्या मिल जाए अपन लोगों को, फ्लो ऑफ करंट। कुछ समझ में आती है बात? इसी वाली बात को देखते हुए फॉरवर्ड बायस बनाया गया, ये इस वाली बैटरी को अपोज कर रहा है। अभी भी समझ नहीं आया? इस बैटरी ने तो आना जाना रोक बंद कर दिया था ना यार, भाई दो लोगों के बीच में दरवाजा बंद, तो आना जाना भी। अब इसने क्या किया, तोड़ने की कोशिश की, और ये दीवार किसकी थी, अंबुजा सीमेंट की नहीं थी, हाँ इसने उस दीवार को तोड़ा, तो दीवार पूरी नहीं टूटी, पतली हो गई दीवार, क्या हो गई, पतली, पूरी नहीं टूटती दीवार को, सिर्फ क्या किया गया है, पहले इतनी मोटी थी, मार मार के बेटा खुरच दिया, खुरच, खुरच ना जानते हो, वही कर, अभी खुश हो, हाँ मेटल की दीवार। अरे यार तुम समझ पा रहे हो, मैं लिखवा दूंगा, डर मत। क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का मारेगा? धक्का मारेगा तो यहाँ ज्यादा पहुंचेंगे, यहाँ ज्यादा पहुंचेंगे तो क्या फ्लो होने की चांसेस बनेंगे, फ्लो होने के चांसेस बनेंगे तो क्या करंट बहने के चांसेस बनेंगे, इसीलिए हमें फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट मिलता है, इसीलिए हमें फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या मिलता है, करंट मिलता है। ये बैटरी और ये बैटरी सपोर्टिंग अपोजिंग, अपोजिंग, अरे बोलो रे, इसका तो पोटेंशियल लिमिटेड ही हो सकता है ना, या इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, इसका बढ़ा सकते हो क्या? ये तो क्या है, आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अरे ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, अपनी है, ये घुमाता रहे, ज्यादा घुमाएगा तो ज्यादा करेंट, कम घुमाएगा तो, अब तू उतना भी नहीं घुमाएगा कि बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो पाए तो कुछ नहीं मिलेगा। सोच के देख जल्दी, अरे सोच भाई, मान ले ये वाला वी इसके पोटेंशियल से कम है, अप्लाइड पोटेंशियल इज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल, करंट मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं। अरे ओपोजिशन ही ज्यादा हो गया तो करंट नहीं मिलेगा, तो क्या मेरे को एक मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल चाहिए जिस पर कि मुझे इसे रीच करके और इससे आगे निकलना पड़ेगा? जब तक इससे ज्यादा वैल्यू नहीं दूंगा क्या तब तक मेरे को फॉरवर्ड फ्लो मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो अपने को उतना पोटेंशियल देना भी जरूरी होता है, अगर अपन उतना नहीं दें तो सब बेकार है। उस वाले वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, नी घुटना वोल्टेज, ठीक है। वो ग्राफ का जो शेप होता है ना उसके चक्कर में उसको ऐसा नाम दिया गया, ग्राफ बनाएंगे तब आप लोगों को पता लगेगा, इट इज नोन एज व्हाट, नी वोल्टेज, ठीक है। तो आपको ये वाली बात तो समझ आती है ना, बैटरी को कैसे जोड़ा गया, बैटरी जोड़ा है, इसको अपोज किया, सपोर्ट किया, अपोज किया, अपोज किया, और इसका पोटेंशियल क्या, इसके पोटेंशियल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। सो दिस अप्लाइड पोटेंशियल शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, ओनली देन आई विल गेट सम करंट, अदरवाइज मुझे कोई भी करंट नहीं मिलेगा। और इसमें जो करंट हमें मिलता है इट इज सम मिली एम्पियर्स, कुछ मिली एम्पियर्स के अंदर हम लोगों को जो करंट है वो मिल पाता है, किसके थ्रू, फॉरवर्ड बायसिंग के थ्रू। कुछ समझ आया है, जल्दी से बना लो और उसमें लिख ले, ऐसे लिख लेना, व्हेन पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड, ऐसे शॉर्ट में लिख लेना, नेगेटिव टर्मिनल, देन एफ बी फॉरवर्ड बायस्ड, क्या कहलाता है ये, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, क्या कहलाया, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, देन एफ बी, डायग्राम बना ले, कल थोड़ी क्लास है तुम्हारी, कल टेस्ट रखा है क्या, एडवांस है वो पूरे दिन, अच्छा बता रही है कि शाम को ना बुला लो या और कुछ, है ना, ठीक बेचारे बच्चे। इसके अंदर लिखो जल्दी से, द अप्लाइड पोटेंशियल, ऐसे लिखो द अप्लाइड पोटेंशियल, खाना खाने भी जाना है यार,
तो बढ़िया खाना मिलेगा, कल से खाया भी नहीं है मैंने। इन्विटेशन आ गया था वो तो। हाँ जल्दी, द अप्लाइड पोटेंशियल अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी, अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी एंड पुशेज, अपोजेज द फिक्टिशियस बैटरी एंड पुशेज द होल्स ऑन द पी साइड एंड पुशेज द होल्स ऑन द पी साइड टू एन साइड, टू एन साइड, एन साइड की तरफ इनको पुश किया जाता है, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन becomes thin, due to this the depletion layer becomes, depletion region becomes thin, the depletion region becomes thin and if current is measured, and if current is measured then it comes out in some milliamperes, and if current is measured then it comes out in some milliamperes, full stop. Star bana ke ek line likhenge, and it comes out in some milliamperes. Make a star and write the line. Sitara banaye, line likhen. Likhaun? The minimum applied potential should be greater than the barrier potential. The minimum applied potential should be greater than the barrier potential for flow of charge carriers, for the flow of charge carriers. जैसे आपने मॉडर्न में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी और एक फिक्स वेवलेंथ थी, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग काम हो रहा था, याद करो उसका नाम दिया था तुमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, याद है? सेम यहां पे है ना, इसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसे? थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ना, पर वो अपनी भाषा है, असलियत में क्या बोलते हैं उसको? नी वोल्टेज है ना, वो सारी चीजें बताऊंगा अगले टाइम पे, ठीक है? चलो मिलते हैं यार। अरे रुक जा, एक चीज बताना भूल गया, अरे रुक जा रुक जा, अरे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सिंबल तो बताया ही नहीं, ये होता है जंक्शन डायोड का सिंबल, सिंबल बना ले, सिंबल सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ अ जंक्शन डायोड, ये इसकी पी साइड है और ये इसकी एन साइड, ठीक है? दिस इज द सर्किट सिंबल, जैसे सर्किट में अपन रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये, ठीक है? ध्यान रहे, दिस इज द सर्किट सिंबल फॉर द पी एन जंक्शन डायोड। अच्छा, इसके अंदर अगर मेरे को ये जोड़नी थी बैटरी, तो बता पॉजिटिव किस एंड से, इस एंड से या इस एंड से? क्या इस एंड से पॉजिटिव? अच्छा, करंट नापना है तो अमीटर जोड़ूंगा, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, पोटेंशियल नापना है तो क्या इसके पैरेलल में? उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलो मिलते हैं, बाय बाय।